माउस वो रखा है, कुछ देखना है उसमें, लगाओ। दूसरे वाले में नहीं आया, हो गया, स्टार्ट करें। ओके भाई, चलो। सो आवाज़ तुम चेक करो, हमें क्या मालूम, हमें कैसे मालूम चलेगा। बच्चों से पूछे, बच्चों भाई आवाज़ सही आ रही है, देख लो, बता दो अगर आवाज़ सही आ रही हो। सही है, सही बता रहे, सब आ रहे हैं। नहीं सही आएगी तो दो में से एक चैनल में तो सही आएगा। तुम लोग देखो आवाज आ रही है, आज में आज क्या हो गया आ रही है। ओके ओके ओके। सो स्पार्क में से, स्पार्क रिवीजन में से बेटा आज एक चैप्टर है इवोल्यूशन। और अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर समय पर जो भी चैप्टर किए, दो चैप्टर पिछली बार से जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोगों ने दो दो क्लासेस ली। लेकिन चूंकि हमारा ट्रेंड था कि हम लोग एक क्लास में एक चैप्टर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलते थे, तो आज भी हम लोग वही करेंगे कि आज इसे एक टॉपिक में, यानी एक बार में इसको ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले जब आपके सामने पैराग्राफ ओपन होता है तो इवोल्यूशन लिखा हुआ मिलता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब होता है अनरोलिंग, ऑल्सो नोन एज अनफोल्डिंग। हम लोग को हमारे सर पढ़ाते थे कि देर इज़ अ चेंज इन फ्लोरा एंड फाना, जो आज तक धरती पर एग्जिस्ट हुई है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहे हैं। तो चेंज इन फ्लोरा एंड फाना दैट हैव अकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर ऑन द अर्थ। अर्थ में जितनी भी वनस्पति और जंतु हुए हैं वो कॉन्टिन्यूस बदलते रहे हैं, कभी एक जैसे नहीं रहे, फिक्स नहीं रहे, बदलते रहे। तो इन्हीं चेंज होने को ही हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, जिसको हम लोग एक बड़ी सेंग से बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन होकर के आगे बढ़ना, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीज़ों में मॉडिफिकेशन होता जाएगा। और यही हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर में ये बोलते हैं कि भाई जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, जब से पैदा हुए तब से उनमें बदलाव जारी थे, जारी हैं और जारी रहेंगे, और ये बदलता रहेगा। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पहले पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप समझाने के चक्कर में एनसीईआरटी की लाइनें अंडरलाइन नहीं कराते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी की वो अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी लेकर के बैठिए। तो देखिए लिखा हुआ, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड अ मिलियंस ऑफ ईयर ऑन द अर्थ। बोलते हैं इवोल्यूशन में अगर आपको लग रहा कि केवल केवल फ्लोरा एंड फौना ही बदलती तो बेवकूफ़ी है। यहाँ पर इनएनिमेट चीज़ें भी बदलती आई हैं। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग चीज़ें भी बदलती आई हैं। इसका मतलब है इस दुनिया में यूनिवर्स भी कॉन्टिन्यूस बदल रहा है, और इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी कॉन्टिन्यूस बदल रही हैं। गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम भी बदल रहा है, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ बदल रही है, कॉन्टिन्यूस डे बाई डे बदल रही है, और अर्थ के अंदर लाइफ दैट इज फ्लोरा एंड फौना बदल रही है। तो बोलते हैं सब कुछ बदल रहा है, और इसी बदलने की प्रक्रिया को, चेंज होने की प्रक्रिया को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब ये लाइफ का इवोल्यूशन है तो मैं बोलूँगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और जब कभी मैं यूनिवर्स का इवोल्यूशन बोलूँगा तो इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स बोलूँगा। ओके बेटा, अगले पैराग्राफ में उन्होंने आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कुछ बातें बताई है। हालांकि हेडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ है, और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से पूछते हैं कि जब हम कभी भी क्लियर स्काई देखते हैं, आसमान में तारे देखते हैं, तो हम एक्चुअली पास्ट देख रहे होते हैं। वी आर ना पीपिंग इन द पास्ट, व्हेन वी लुक एट द स्टार्ट ऑन क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन अ टाइम। एक बार बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर जब हम आकाश में तारे देख रहे हैं तो हम तुरंत देख रहे होते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि बैक इन टाइम हम पास्ट देख रहे हैं, यानी कि भूतकाल देख रहे हैं? हमने कहा इसके पीछे का कारण है बेटा स्टेलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस हैं, जो सूरज चांद क्या बाकी सितारों की डिस्टेंस है, उन्हें हम लोग लाइट ईयर में नापते हैं। याद रखना, कई बार लोग बोलते हैं लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस होगी, लोगों को ईयर लगते ही समझ में आता है कि शायद टाइम की बेटा ये यूनिट होगी। टाइम की यूनिट नहीं होती, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब बोलते हैं सर डिस्टेंस की यूनिट कैसे हो सकती है?
तो बोलते हैं जब लाइट एक साल में, यानी कोई भी लाइट जो है, लाइट की आप जानते हो 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लगभग इसकी रफ्तार है 300,000 किलोमीटर पर आर, ये आर में है, इसको सेकेंड और मिनट में आप बदल सकते हो और आपको आता है, आप फिजिक्स सीखते हो। तो एक घंटे में 300,000 किलोमीटर स्पीड से भागती है लाइट, और अगर लाइट एक साल चले, 1 ईयर चले, और एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, इट इज़ नोन एज 1 लाइट ईयर, इसे बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा हमसे 100 लाइट ईयर दूर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अगर वहाँ से प्रकाश चले, तो प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुँचेगा तो कितने सालों बाद पहुँचेगा? 100 सालों बाद पहुँचेगा। तो आज जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ रहा है, वो एक्चुअली आज का है कि 100 साल पहले का है? 100 साल पहले का है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमें आज दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली वो बहुत पहले चला था। एंड दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि हम लोग व्हेन वी सी स्टार, वी अपरेंटली आर पीपिंग इन टू द पास्ट, हम लोग पास्ट देख रहे हैं। फिर से एक बार समझा दूँ, हो सकता है कि ये पैराग्राफ आपको समझ में ना आए। कैसे मैंने बोला? मैंने आपको बोला कि जब कभी भी आप लाइट ईयर की बात करोगे, तो व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और व्हाट इज डिस्टेंस? 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई, एक साल में लाइट द्वारा चली गई जितनी भी डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज 1 लाइट ईयर। और इसे कैसे जानेंगे कि एक घंटे में ये 300,000 किलोमीटर चल जाती है, तो 24 घंटे में कितना चलेगा? 300,000 का गुणा 24 करो, फिर इसके बाद एक महीने में कितना चलेगा, तो 30 का फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 का और मल्टीप्लाई करो, और इस तरीके से एक साल में वो कितनी दूरी तय करेगी तब आएगी। और ऐसी दूरी अगर 100 लाइट ईयर की हो, तो 100 साल में कितना जाएगा उसमें 100 करो। और तारे तो बेटा हजारों लाखों लाइट ईयर दूर हैं, तो उन तारों से जो 1000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले लाइट चली थी, वो आज हमारे पास पहुँच रही। इसका मतलब है हम लोग तारों को देख रहे हैं, इसका मतलब हम पास देख रहे हैं। खैर, ये हमारा बात नहीं है। लोग बोलते हैं सर इतनी दूर तारे क्यों हैं? इसके पीछे की थ्योरी है बेटा यूनिवर्स के ओरिजिन की, कि ये यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने यूनिवर्स ओरिजिन के बारे में बोला गया। पहले तो यूनिवर्स की बारे में कल्पना करना, इमेजिनेशन करना थोड़ा मुश्किल है कि सर व्हाट इज़ यूनिवर्स। जब आप इसको बहुत ज़्यादा गहन होकर के सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से परे चीज़ें हैं। हम मानते हैं एक वास्ट स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है जिसे आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते। इस स्पेस में पहले कभी केवल डस्ट पार्टिकल हुआ करते थे, कुछ बहुत गैसेस होती थी, अननोन गैसेस, किसी को मालूम नहीं है, दीज आर नोन एज कॉस्मिक गैसेस, जो डस्ट और गैसेस हुआ करती थी। इन डस्ट और गैसेस में बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल लगा। फिर मैं देखिए यहाँ से हट रहा हूँ क्योंकि समझाना ही पड़ेगा, तभी अंडरलाइन करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं पहले समझा दे रहा हूँ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो यूनिवर्स में कहीं पर भी लागू होते हैं, और ये बताते हैं कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ दूर में हैं, कुछ दूरी पर हैं, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। शायद आपने इसे पढ़ा होगा, F=gm1m2/r², यानी अगर दो बॉडी किसी भी जगह पर, यूनिवर्स में कहीं पर भी दूर है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बोलते हैं यूनिवर्स में लाखों सालों तक ये जो डस्ट पार्टिकल थे, इनमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता रहा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल पास आते रहे। पास आते आते लाखों अरबों साल लगे, बिलियन ट्रिलियन साल लग गए। हुआ क्या कि कुछ पार्टिकल बहुत पास आ गए, और कुछ पार्टिकल अभी भी दूर थे, लेकिन कुछ पार्टिकल बहुत पास आ गए। तो जो पार्टिकल बहुत पास आ गए, वहाँ पर एक कोर एरिया बना, और इन पार्टिकल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगा। आप हथेली रगड़ के देखिए, इस फ्रिक्शन की वजह से इन पार्टिकल में, यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से, क्योंकि जितना पास आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहता जाएगा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होता जाएगा, और इस वजह से ये वाला एरिया हाई टेम्परेचर का बन गया। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और बाहर का टेम्परेचर कम। ये बिल्कुल वैसे जैसे गैस सिलेंडर में आग लग जाए, गैस सिलेंडर के अंदर आग जले, बाहर ठंडा अंदर गर्म, तब क्या होगा, एक बहुत तेजी का ब्लास्ट होगा, गैस सिलेंडर फटेगा। वैसे ही यूनिवर्स में पूरी की पूरी गैसों में एक ब्लास्ट हुआ, एंड दैट ब्लास्ट इज नोन एज बिग बैंग, बड़ा ब्लास्ट। बैंग इज द साउंड, बिग बैंग दैट इज
बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ और इस बिग बैंग की बारे में बोलते हैं लगभग 20 बिलियन ईयर पहले हुआ। इनका मानना है कि लगभग 20 बिलियन ईयर पहले एक बिग बैंग हुआ और इस बिग बैंग की वजह से जितनी गैसेस थीं, जितने भी डस्ट पार्टिकल थे, अचानक बहुत दूर चले गए और इतना दूर चले गए कि वो एक्सपेंड हो गए, इतना एक्सपेंड हो गए जिसको इमेजिन करना पॉसिबल नहीं। अब चूंकि इनका ब्लास्ट हुआ था गर्म होने की वजह से, कोर बहुत गर्म थी, तो इन सारे पार्टिकल हाई टेम्परेचर के पार्टिकल थे, तो जब ये दूर दूर जाने लगे, दूर दूर जाते गए, तो कुछ दिनों बाद ये ठंडे हुए और जब ये ठंडे हुए तो बोलते हैं इट टेक्स सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, जिसे तुम इमेजिन भी नहीं करते, और यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड द टेम्परेचर केम डाउन, और जैसे जैसे यूनिवर्स में चीज़ें बहुत दूर दूर गईं उनमें टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन होने के बाद आपके पास कुछ गैसेस बनी, इनमें से कुछ गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इन हाइड्रोजन और हीलियम के फिजन और फ्यूजन की वजह से, तुम्हें मालूम है सन में कौन सी रिएक्शन चल रही, फिजन और फ्यूजन की वजह से बेटा आपकी गैलेक्सीज बनी, याद रखना गैलेक्सी बनी, इन गैलेक्सीज के अंदर बने बेटा स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप बने, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, सोलर सिस्टम बने और ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, मिल्की वे, और हमारे आकाश गंगा के पास हमारा एक सोलर सिस्टम बना जिसका तारा है हमारा सन और हमारे 8 प्लैनेट, पहले 9 प्लैनेट थे, 9 ग्रह मानते थे, आजकल हम लोग प्लूटो को ग्रह नहीं मानते, तो सन और 8 ग्रह बने, और इन ग्रहों में, इन प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारा प्लैनेट है, दैट इज नोन एज अर्थ, और इसका भी निर्माण हुआ। तो बिग बैंग हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो, लेकिन अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर एगो। इसका मतलब इतने दिनों तक चीज़ें केवल ठंडी होती रहीं, कूल होती रहीं, तो धरती बनते बनते 4.5 बिलियन ईयर्स लग गए। तो ये किसकी वजह से बने? इट इज़ बिग बैंग हाइपोथेसिस। बहुत ध्यान से समझना क्यों हुआ, उसका कारण भी बता दिया। आपको मालूम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्स में कहीं भी लागू होगा, इसलिए आप कहीं पर भी स्पेस में जाओ ये लॉ लगेगा, आगे सुनेंगे आप लोग। फिर ये बोलते हैं कि जैसे जैसे बेटा अर्थ बनी, जिस समय अर्थ बनी उस समय का माहौल समझो और इसको अपने दिमाग में बिठाओ, रट्टा मत मारो। बोलते हैं जिस समय धरती बनी, लेट सपोज इट द अर्थ, उस समय अर्थ के पास देयर वॉज नो एटमोसफियर। पहले बात तो आपको ये लिखना पड़ेगा, देयर इज नो एटमोसफियर। आज हमारे पास एटमोसफियर है, लेकिन उस समय जब धरती बनी उस समय एटमोसफियर नहीं था। और दूसरा, धरती में बेटा वोल्केनोज थी, और वोल्केनोज होने की वजह से बेटा आपको मालूम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लावा वगैरह बनता रहता था। फिर भी कितना भी कम टेम्परेचर हुआ हो, सन जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर यहाँ हाई था। बोलते हैं लगभग 600 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हुआ करता था अर्थ में, और एटमॉस्फेयर नहीं था, और कुछ गैसेस यहाँ पर थी। प्लीज राइट इट डाउन, हाइड्रो, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस थी, वाटर वेपर था। वाटर क्यों नहीं हुआ होगा इस टेम्परेचर में? वाटर लिक्विड कंडीशन में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि 100 डिग्री में तो बॉयल कर जाता है, फिर उसके बाद लेटेंट हीट, और उसके बाद वाटर वेपर। वाटर वेपर थी हमारे पास, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और अमोनिया थी। ये चारों चीज़ें आपको नोट करनी, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग बुक में मैंने भी पढ़ी है और पढ़ाई भी है, इनके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है गैसेस, पर आप वो गैसेस मत मानिएगा, आप एनसीईआरटी में फोकस रखिए। वाटर वेपर थी, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और अमोनिया थी। और ये कहाँ थी? नॉट इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में नहीं थी, याद रखना, इट वाज नॉट इन एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर था ही नहीं। ये धरती के पास थी, इन लावा, इन वोल्केनोस से निकलने वाले धुएं में थी, और ये धुआं कोई एटमॉस्फेयर नहीं बना रहा था। तो यहाँ पर आपके सामने क्या क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा जो कि वेपर के फॉर्म में है, साथ में CH4 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और NH3 थी, याद रखना, ये सब थी। अब क्या हुआ, चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं था तो सनलाइट कॉन्टिन्यूअस थी, क्योंकि हमारा सन तो था ही, और ये सनलाइट डायरेक्ट पहुंचती थी, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, ओजोन लेयर ना होने की वजह से यूवी रेज यहाँ पर गिरती थी, और यूवी रेज जब भी गिरती थी तो यहाँ प्रेजेंट जो वाटर वेपर था इसे तोड़ती थी, और किस में तोड़ती थी? H2 और O2 में, याद रखना। ऑक्सीजन यहीं रहती थी, हाइड्रोजन बेटा उड़ती थी, और पहली बार हाइड्रोजन जैसी गैसेस से एटमॉस्फेयर बनने की कोशिश होने लगी।
क्योंकि गैसेस जब एस्केप करके बाहर जाने लगी तो ये ऊपर इकट्ठा होने लगी, और जब ये इकट्ठा होने लगी तो इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाना चालू किया। इसका मतलब एटमॉस्फेयर से वो सबसे पहले बनने की कोशिश हुई, वो कैसा था? रिड्यूसिंग, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थी। खैर, जो बची ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन उड़ गई, जो बची ऑक्सीजन वो बेटा रिएक्शन कर दी थी मीथेन से और अमोनिया से। ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, मीथेन और अमोनिया के साथ बेटा वो रिएक्शन करती थी, और मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाती थी यस वाटर। क्या गजब बात है। एंड CO2, याद रखना CO2 ऑलरेडी थी, CO2 और बनने लगी, इसलिए CO2 भी इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनने लगी। अब बताओ एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेज आने लगी? दो, एक हाइड्रोजन और एक कौन? CO2। लेकिन आप देखिए कैसी पॉजिटिव साइकिल फंसी। देखो कैसे पॉजिटिव साइकिल बनी। वाटर वेपर टूटी तो ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकला तो कार्बन मीथेन से रिएक्शन किया तो वाटर बना, और जो वाटर बना फिर से टूटा, फिर से बेटा इसने रिएक्शन किया, फिर से टूटा, फिर से रिएक्शन किया, फिर से टूटा, फिर से रिएक्शन किया। तो वाटर हर बार टूटता था, और जो ऑक्सीजन बनती थी वो हर बार नए वाटर को बना देती थी, और इस तरीके से वाटर की एक विशेष साइकिल बनने लगी। यानी वाटर बनता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, टूटता रहा, लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट क्या बनते रहे? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने लगे। और इसी दौरान कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिएक्शन करके ओ2 के साथ बेटा ओजोन बनाने लगी। तो अब आपके एटमॉस्फेयर में तीन गैसेज आने लगी। अब देखिए कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन डाई, तीसरी ओजोन, और इस तरीके से ओजोन की एक परत बनने लगी। ये बिलियंस ईयर लगे, इसमें बहुत साल लगा, और परत लगी बनी, तो बेटा यूवी रेज जो आ रही थी वो आना बंद हो गई, अर्थ और कूल होने लगी। बोलते हैं अर्थ और कूल होने लगी, और इतना कूल होने लगी कि बेटा अब ये वाटर जो बेटा मॉलिक्यूल थे ये टूटना थोड़ा कम होने लगे। और अगर अर्थ कूल होने लगी तो कंडेंस होना चालू हुआ। ध्यान सुनना, कंडेंस होने लगा वाटर वेपर, और वाटर वेपर अगर कंडेंस हुआ मतलब ठंडा हुआ तो बादल बने, क्लाउड्स बने, और अगर क्लाउड्स बने तो वो बरसे। बरसना इट इज नोन एज रेनी सीजन, और रेनी सीजन ऐसा नहीं हुआ कि रोज एक बरसा, अचानक बरसे, बहुत बारिश हुई क्योंकि हाई टेम्परेचर एकदम कूल हुआ, बादल बने और सब बरस गया, और बरस गया तो ये पानी इकट्ठा हुआ कहाँ? धरती के बड़े बड़े गड्ढों में ये पानी इकट्ठा हुआ, और बड़े बड़े गड्ढों का ही नाम था ओशियन, यानी पहली बार समुन्दर में पानी आया, और इसी ओशियन का इंतजार था क्योंकि इन ओशियन में हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ होनी थी। यानी समुन्दर के पानी में हमारा ओशियन में उन समुन्दर के पानी में ओरिजिन ऑफ लाइफ होनी थी। बोलते हैं अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद, ये लिखा हुआ देखना, लाइफ अपियर होने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से बोलूंगा, इसे लाइफ अपियर मत बोलना, कोशिश हुई, यानी समुंदर बनने के बाद उनमें कोशिश हुई, ये मत बोलना वरना डाटा तीन बार गड़बड़ करेगा आपकी एनसीईआरटी। यानी अगर कोई बोले ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टार्टिंग कहां से हुई, आफ्टर 4.5 बिलियन के 500 मिलियन ईयर बाद, इसका मतलब वो बोलते हैं लगभग लगभग वो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, तब आपका लाइफ ओरिजिन होने की कोशिश हुई, और इसी लाइफ ओरिजिन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप इसे जरा सा भी चकराएं तो खुद सोचो, चार चीज़ें थी वो भूलना मत, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। एटमॉस्फेयर शुरुआत में नहीं था, और इस वजह से यूवी रेज आती थी, वाटर वेपर को तोड़ती थी, हाइड्रोजन गायब हो जाती थी ऊपर, ऑक्सीजन बचती थी, ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया से रिएक्शन करती थी, CO2 बनाती थी और वाटर बनाती थी, वाटर बनता था, टूटता था, बनता था, टूटता था, और इस वजह से हाइड्रोजन गैसेस निकलना चालू हुई, CO2 निकलना चालू हुई। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने की वजह से ओजोन बनी, यूवी रेज रुक गई, टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंस हुआ, वाटर बेटा नीचे आया, समुंदर बने और उनमें पानी आया, उस पानी में पहली बार ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सोचा गया, या फिर हुआ होगा, और वो लगभग 500 मिलियन ईयर बाद हुआ। याद रखना, इसके लिए बेटा बहुत थ्योरीज हैं, ये वाला पैराग्राफ इसी बात के बारे में बताता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के देयर आर सो मैनी थ्योरीज, कई थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताती हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसी होगी। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, ध्यान सुनते जाओ ताकि आप लोग फिर इसको पढ़ लोगे। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, पैन पहले लिखना फिर स्पर्मिया, पैन स्पर्मिया थ्योरी, कोई बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार लोगों का मानना है कि लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस,
आउटर स्पेस, इनका मानना है किसी दूसरे ग्रह से लाइफ आई, यानी किसी दूसरे ग्रह में लाइफ कभी हुई होगी और वो ट्रेवल करते हुए उल्का पिंडों के साथ हमारी धरती पे आई, उल्का पिंड गिरे तो आई। ये थ्योरी इसलिए नकार दी गई क्योंकि लोगों ने फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताओ हमारे यहाँ पर तो उल्का पिंड से दूसरे ग्रह से आई, तो बताओ दूसरे ग्रह में कहाँ से आई होगी। इसलिए इस थ्योरी को कुछ दिन बाद नकार दिया गया। ये लिखा हुआ है पैंसपर्मिया थ्योरी, ऐसा ना लगे तुम्हें कि एनसीईआरटी के बाहर सर पढ़ा रहे। दिस इज द थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, ऑल्सो नोन एज कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि थ्योरी आउटर स्पेस से आती, ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट आज भी ये मानते हैं कि थ्योरी आउटर स्पेस से आई थी। तो पहला थ्योरी मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लोगों का मानना है कीचड़ में अब अचानक चीज़ें पैदा होने लगी। अब लोग आज भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को मानते हैं। लोगों का मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो तो उसमें मेढक और मछलियाँ, मतलब फ्रॉग और फिशेज अपने आप पैदा हो सकती हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं। तो लोगों ने कहा कि चीज़ें अपने आप जनरेट होने लगी, कि उस कीचड़ में इनमें कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से लाइफ अपने आप जनरेट होने लगी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इसके बहुत ज़्यादा फेवर करते थे वॉन हेलमोंट। आपकी बुक में नहीं दिए गए तो आप चाहें तो ना लिखें। वॉन हेलमोंट ये कहते थे कि तुम पसीने में भीगी गई भीगी हुई शर्ट को गेहूं की बाली के साथ रखो तो उसमें चूहे पैदा हो जाएंगे, अचानक अजीब बात करते थे। वॉन हेलमोंट की इस बात पर बहुत हंसते थे लुईस पाश्चर, याद रखना। लुईस पाश्चर कहते थे कि ये बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लाइफ अपने आप ओरिजिनेट हो। वो एक फ्लास्क लेते थे और उस फ्लास्क में न्यूट्रिएंट मीडियम लेते थे, न्यूट्रिएंट मीडियम, और उस फ्लास्क को स्वान निक करते थे। स्वान निक मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर देते थे, और उन्हें मालूम था कि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, लेकिन वो फ्लास्क को टेढ़ा मेढ़ा करने कर देते थे ताकि जो एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया हैं वो पहुंचे और इसी जगह चिपक जाए, इस न्यूट्रिएंट मीडियम तक ना जाए। तो न्यूट्रिएंट मीडियम कभी भी नए बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कराता था। फिर वो दूसरा फ्लास्क लेते थे और उस दूसरे फ्लास्क को उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ करके ओपन टू एयर कर दिया, उसमें भी न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, इसमें खूब सारे बैक्टीरिया ग्रो कर गए। तो इन्होंने बताया कि लाइफ ओनली केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर से सुनना, ये रुजोर वर्चू जैसा कहना है कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होती है, ठीक वैसे ही लुईस पाश्चर कहते थे लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही पैदा होती है। फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट है, ना अंडरलाइन कराओ तो अच्छा है, लुईस पाश्चर यहाँ दिए गए हैं, ये याद रखना। उनका वॉन एलिमेंट का मानना था अपने आप चीज़ें ग्रो कर रही, अपने आप हो जाता है, इसका अगेंस्ट किया लुईस पाश्चर ने। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ध्यान देना, लुईस पाश्चर स्पॉन्टेनियस जनरेशन के खिलाफ थे। तो मैंने दो थ्योरी बड़ी बड़ी पढ़ाई, पहली थ्योरी द थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, क्योंकि इस पैराग्राफ में यही लिखा है और ये मानते हैं कि बेटा लाइफ दूसरे ग्रह से आई है। और दूसरी थ्योरी मैंने पढ़ाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो वॉन हेलमोंट बोलते थे, और वॉन हेलमोंट की स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सिरे से नकार दिया लुईस पाश्चर। पर लुईस पाश्चर ने नकार तो दिया कि भाई लाइफ ऐसे नहीं आ सकती, पर इनसे पूछा कैसे आई वो भी नहीं बता पाए। अच्छा, बहुत दिनों बाद दो साइंटिस्ट के जोड़े ने इस बात को थोड़ा थोड़ा सही करने की कोशिश की। इन दोनों साइंटिस्ट के जोड़े का नाम आप लिख लीजिएगा। इनकी थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है और इनकी थ्योरी का को इसकी थ्योरी दी थी, ये थ्योरी दी थी ओपेरिन एंड हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने। ओपेरिन एंड हेल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला ओरिजिन लाइफ की थ्योरी, और इन्होंने प्रपोज किया कि कीमो इवोल्यूशन हुआ। कीमो इवोल्यूशन मतलब लाइफ केमिकल से पैदा हुई, ध्यान सुनना। उनका मानना था कि लाइफ ओरिजिन फ्रॉम द केमिकल्स। अब उनसे पूछा क्या केमिकल्स कहाँ से आए, तो बोले बुद्धू हो क्या, खुद सोच के देखो ना, समुंदर बने हुए हैं, ये रहे समुंदर, और इस समुंदर के पानी में बहुत सारे केमिकल्स हैं और इन केमिकल से ही लाइफ ओरिजिन हुई। और उन्होंने इस ओपेरिन एंड हेल्डेन की इस थ्योरी ने बेटा एक सीक्वेंस बताया, और उस सीक्वेंस को मैं फार्मूले से पढ़ाता हूँ। ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया, ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया गॉट वायरल चिकन, ओके, चिकन पॉक्स अर्लियर। ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, ग्रेट सिंह सर, वही हम लोग आपको सिखा रहे हैं। उन्होंने हमको ये सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं। इन्होंने बोला कि केमिकल्स पहले यहाँ पर एटॉमिक स्टेज पर थे, ए फॉर एटॉमिक, जैसे कि आपको कार्बन एटॉमिक स्टेज पर हो, ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेज पर हो। तो बोला पहले केमिकल की एटॉमिक स्टेज हुआ करती थी, और ये एटॉमिक स्टेज हुआ करती थी बेटा इन द
वाटर ऑफ द ओशियन। इस एटॉमिक स्टेज से बनी मॉलिक्यूलर स्टेज, मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि बना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, CO2 बना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी फ्री ऑक्सीजन वहां पर नहीं थी, मीथेन का मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर बना। फिर इस इन मॉलिक्यूल से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा अमीनो एसिड, जैसे सिंपल अमीनो एसिड बने, ये उन्होंने माना। फिर बोला कि इस अमीनो एसिड से बने बेटा कोलाइडल पार्टिकल, और कोलाइडल पार्टिकल हमेशा पॉलीमर्स के बनते हैं, तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक मैटर के पॉलीमर्स बनने लगे, और पॉलीमर्स बनने की वजह से बेटा कोलाइड पार्टिकल बने, और कोलाइड पार्टिकल से पहली बार कोजरवेट नाम का स्ट्रक्चर बना। याद रखना ये कोजरवेट में बडिंग भी करने की क्षमता थी। फिर इसके बाद गॉट जीन बनी, जीन बनी, इसके बाद वायरस बने, याद रखना जीन बनी वायरस बने, और इसके बाद इन्होंने बोला बेटा कीमोसिंथेटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। तो बेटा याद रखना ये रहा प्रोकैरियोटिक और ये रही यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इस तरीके से जब पहली बार यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, उनमें मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा यस दिस पी इज फॉर फोटोसिंथेसिस, आई एम सॉरी फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोटिक, और ये रहा बेटा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। तो इन्होंने एक पूरी लिस्ट बताई, और ये लिस्ट जो बताई वो ओपरिन एंड हेल्डन बताई। लोगों ने कहा कि कैसे लाइफ ओरिजिन हुई, कैसे पहली बार सेल बनी, कैसे पहली बार बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बना, कैसे अर्लियर बना। तो उन्होंने एक एक करके बताया कि एटॉमिक से मॉलिक्यूलर, फिर ऑर्गेनिक, फिर बेटा पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक, फिर जीन, फिर वायरस, फिर इसके बाद फोटोसिंथेटिक, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा। ओपरिन हेल्डन को कहीं से भी कुछ भी दिमाग लग रहा है, ऐसा कैसे हुआ होगा। अगर कोई भी एक स्टेज प्रूफ हो जाए, इतना ही प्रूफ हो जाए कि तुम एटम या मॉलिक्यूल लेकर के केवल अमीनो एसिड बना के दिखा दो तो हम मान जाए। तो बोले आज नहीं बन सकता, उस समय बना। ओपरिन हेल्डन ने कहा आज नहीं बन सकता, उस समय बना। बोले आज क्यों नहीं बन सकता। बोले आज धरती बहुत ठंडी है, आज वैसे वोल्केनोज नहीं है, वैसे थंडरिंग नहीं है, आज नहीं बन सकता। इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी और बोले हमें तो यही लगता है। अब इस थ्योरी के पीछे पड़े दो लोग, इन दो लोगों का नाम भी याद रखिएगा, मिलर एंड यूरे। यहाँ पर दिया गया है, आपको नाम दिया गया है। उन्होंने ओपरिन एंड हेल्डन की थ्योरी को क्रॉस चेक किया। मिलर थे और इनका, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे यूरे, और मिलर और यूरे का एक एक्सपेरिमेंट है, फेमस एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में बना भी है। और मिलर एंड यूरे के इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन का मतलब होता है सिमिलर कंडीशन पैदा करना, यानी हमें वैसी ही सिमिलर कंडीशन पैदा करनी है जैसी पुरानी धरती पर थी। तो इन्होंने सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे एक जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनते हैं उन पर ध्यान देना। और ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक अपरेटस बनाया, और इस अपरेटस को उन्होंने नाम दिया स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। याद रखना, नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है, स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। अच्छा, मैं फिर से बहुत ज़्यादा समझाने लगा, आपको लगेगा कि सर NCERT की अंडरलाइन करिए। तो कई बार क्या होता है, समझाने के चक्कर में ये लिखा हुआ, ही क्रिएटेड अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मिल गया। चलो, तो इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस नाम का एक अपरेटस बनाया, और उसमें सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया, सिमिलर कंडीशन का एक्सपेरिमेंट किया जो अर्ली अर्थ पे था। और उन्होंने क्या क्या किया देखते जाइए। इन्होंने बेटा उस अपरेटस में मीथेन लिया, ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है NCERT में, बार बार पूछा जाता है, मीथेन उस अपरेटस में लिया, हाइड्रोजन लिया, अमोनिया लिया, और साथ में वाटर वेपर लिया, और उस अपरेटस का टेम्परेचर 800 डिग्री के ऊपर किया। उस अपरेटस में पुरानी धरती जैसी सारी गैसेस ली, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर लिया, और उन्होंने इन मॉलिक्यूल से सुगर्स बनाकर देखा और अमीनो एसिड बनाकर देखा। आइए, ये स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस लकली हमारी बुक में दिया गया। देखिए, अगर आप इसे सही ढंग से देख जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इन्होंने एक पहले फ्लास्क लिया होगा, उस फ्लास्क को बॉइलिंग वाटर रखा होगा। वाई बॉइलिंग वाटर? ताकि पानी की वेपर्स बने। पुराने इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स थी, यानी यहाँ पर H2O आया गैसियस फॉर्म में, साथ में यहाँ मीथेन लिया,
अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया। अब इस पूरे के पूरे फ्लास्क में जहां पर ये चारों चीजें पहुंची हैं वहां पर थंडरिंग जैसी एनर्जी पैदा की। थंडरिंग क्यों? क्योंकि पुरानी धरती में एनर्जी का मेन सोर्स था थंडरिंग, जो बिजली चमकती थी, इसलिए इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए और उसमें स्पार्क पैदा किया और वही एनर्जी पैदा की जो थंडरिंग से पैदा होती है और इन मॉलिक्यूल को मिलने दिया। फिर उन्होंने एक कंडेंसर लगाया ताकि जो कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हों वो कंडेंस होकर यहाँ इकट्ठे हों। और यकीन मानिए यहाँ पर इन्हें अमीनो एसिड मिली। अमीनो एसिड मिली इसका मतलब इन्होंने प्रूफ किया कि एटॉमिक स्टेज मॉलिक्यूलर स्टेज में जाएगी, मॉलिक्यूलर स्टेज ऑर्गेनिक मटेरियल में जाएंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल से बेटा पॉलीमर बनेंगे। भैया ऑर्गेनिक मटेरियल में अमीनो एसिड बनेंगी और इस तरीके से उन्होंने तीन स्टेप का तो प्रोसेस प्रूव कर दिया। तो फिर इन्होंने बोला अगर एटॉमिक से मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर से ऑर्गेनिक बन सकता है तो ऑर्गेनिक से बेटा फिर कोलाइडल भी बन सकता है, जीन भी बन सकता है, वायरस भी बन सकता है। और मिलर और यूरे के इस एक्सपेरिमेंट ने ओपरिन एंड हेल्डन की थ्योरी को प्रूव किया। तो थ्योरी किसकी थी? ओपरिन एंड हेल्डन की। और इसको प्रूव किसने किया? मिलर एंड यूरे ने। और इस तरीके से एनसीईआरटी आपके सामने दो तीन बातें बोलती है कि इस थ्योरी के बाद लोग परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि जो पहली लाइफ रही होगी पॉसिबिलिटी। देखो ये लिखा हुआ, दीज कैप्सूल प्रोड्यूस दियर मॉलिक्यूल पर हैव द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म इट ओरिजिनेट अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। इसका मतलब है 2 बिलियन ईयर एगो, यानी लगभग 2 बिलियन ईयर एगो पहला सेलुलर बेटा लाइफ पैदा हुआ हो। लेकिन इस सेलुलर लाइफ यानी सेल लाइफ के पहले नॉन सेलुलर लाइफ भी रहा होगा, तो याद रखना वो भी लाइन देख लो क्योंकि बुक में लिखी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले नॉन सेलुलर लाइफ पैदा हुई है। नॉन सेलुलर लाइफ ये 3 बिलियन ईयर बैक पैदा हुई है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, सर हमें नहीं समझ में आ रहा सेलुलर क्या होता है, नॉन सेलुलर क्या होता है। अच्छा बताओ वायरस कैसा है, आपको क्या लगता है वायरस कैसा है? वायरस क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। बताओ वायरस के पास सेल है कि नहीं है? नहीं। इसके पहले कोजर वेट बने, बताओ कोजर वेट के पास सेल थी कि नहीं थी? नहीं थी। लेकिन कोजर वेट और वायरस को लिविंग जैसी कंडीशन माना, क्यों? क्योंकि कोजर वेट बडिंग कर लेते हैं और वायरस में जिंदा रहने की क्षमता है, लेकिन क्या इनके पास सेल है? नहीं है। तो हम इन्हें बोलेंगे नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। वायरस इज नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। तो पहले वायरस बने, तो वायरस और कोजर वेट जैसी चीजें 3 बिलियन ईयर पहले बनी और फिर इनसे पहली सेल प्रोकैरियोटिक पहली सेल कब बनी और वो सेल जो बनी है वो कब बनी है? इट इज अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। दैट इज नोन एज 2 बिलियन। थाउजेंड मिलियन और बिलियन समझ लो, 10^6 इज मिलियन एंड 10^9 इज बिलियन। तो अगर कहीं पर दिया हो 2000 मिलियन तो आप बोल सकते हो 2000 × 10^6। अगर ये 3 जीरो उधर चले जाएं तो 2 × 10^9, व्हाट इट मींस, ये हो गया बिलियन। इसका मतलब 2 बिलियन साल पहले पहला सेलुलर फॉर्म बना और 3 बिलियन साल पहले पहला नॉन सेलुलर। तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि नॉन सेलुलर लिविंग कैसा हो सकता है, क्या पागलपन है। तो आप उन्हें बताओ कि वायरस जैसे स्ट्रक्चर 3 बिलियन साल पहले बने और फिर उनसे सेल जिनमें सेल थी वो बने लगभग 2 बिलियन साल पहले और इस तरीके से लाइफ ओरिजिन चालू हुआ। याद रखना लाइफ ओरिजिन तो हो गया, चलो लोगों ने मान लिया कि सेल पहली बन गई, पर इस एक सेल से आते आते ह्यूमन कैसे बना, हाथी कैसे बना, पेड़ कैसे बना? पहले तो एक कोशिका बनी, तो इस कोशिका से कैसे बाकी चीजें बनी? तो बोलते हैं इस कोशिका से, इस सिंगल सेल से आप रुडोल वर्च्यू का लॉ लगाओ। व्हाट इज रुडोल वर्च्यूज लॉ? बोलते हैं यस, जो भी बेटा नई सेल बनेगी वो किससे बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसी तरीके से लाइफ जो बनेगी वो किससे बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। यानी यही कोशिकाएं फर्दर मल्टी सेलुलर होती गई। यस, इसी थ्योरी को इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म के नाम से एक थ्योरी के रूप में आपको कन्वर्ट करके सिखाया जा रहा है। यस, पर इन्होंने एक छोटी सी गलती की या बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने ये पैराग्राफ लिखा। ये जो पैराग्राफ लिखा गया है ये एक्चुअली, माफ करिएगा अगर किसी को धार्मिक बातें गलत लगे, ये एक्चुअली बाइबल को ध्यान में रख करके लिखा गया है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग समझते हो साइंटिस्ट जो रहे हैं वो हमारे पश्चिमी देशों के रहे हैं
और पश्चिमी देशों के लोग धार्मिक थे तो उनका मेन धर्म क्या था बेटा, क्रिश्चियनिटी थी, और उनकी हॉली बुक है बाइबल, जैसे हम लोग की गीता है, कुरान है, वैसे उनकी बाइबल थी। तो बाइबल को मानने वाले एक फादर सुआरेज़ थे, और फादर सुआरेज़ का नाम बहुत ज़्यादा था उस समय, और फादर सुआरेज़ जो कहते थे उनको लोग धर्म की तरह मानते थे, आज भी लोग हैं धर्मगुरुओं की बात को नकार नहीं पाते। तो फादर सुआरेज़ बाइबल की कुछ बातों को कोट करके बोलते थे कि देखो कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ, सब भगवान ने बनाया। तो उन्होंने तीन बड़ी बातें कही, बोलो लिखा हुआ, देयर आर थ्री मेन कोनोटेशन, तीन बड़ी मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं? पहली मानता यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी सी टूडे आर क्रिएटेड एज सच, जो जैसा है वैसा ही पैदा हुआ है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, आदमी ऐसा ही बना है, बंदर ऐसे ही बने, आम नीम पेड़ बैक्टीरिया सब ऐसे ही बने। पहला रूल, ना हम में कोई बदलाव होगा ना बदलाव है, और हम जैसे थे वैसे ही पैदा हुए, ये बाइबल में या फिर फादर सुआरेज़ का मानना था। दूसरी पॉइंट वो क्या कहते थे, दूसरा पॉइंट उनके अनुसार ये था, टू फर्स्ट ये हो गया, पहली बात ये, दूसरी बात ये, दैट द डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। व्हाट इट मींस, बोले दोनों बातें लोगों को एक ही लगती है कि नहीं लगती? कहने का मतलब है आदमी जैसा बना है वैसा ही रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन आदमी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, डाइवर्सिटी। तो उन्होंने कहा आदमी जैसा है वैसा ही, और जितने प्रकार की स्पीसीज दुनिया में बस उतनी रहेंगी, ना उससे कम होंगी ना उससे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ना डाइवर्सिटी कभी चेंज हुई है ना कभी चेंज होगी। और तीसरी बात जो लिखी कि धरती बहुत पुरानी नहीं है, केवल 4000 साल पुरानी है। और ये तीन बातें बड़ी फेमस मानी गई, 4000 साल क्यों पुरानी है, क्योंकि वो अपने गॉड से रिलेशन करके अर्थ का एज मानते थे। ये तीन बातें थी जो उस समय बाइबल के बारे में थी, और बेटा फादर सुआरेज़ इसे बहुत मानते थे, और वो मानते थे कि धरती में जितने भी प्राणी हैं वो ना कभी बदले हैं ना बदलेंगे, जो भी डाइवर्सिटी है वो जैसी थी वैसी रहेगी और वैसी आगे भी रहेगी। और तीसरा पॉइंट वो कहते थे कि धरती की उम्र 4000 साल है। अच्छा, उस समय पर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन नहीं थे लोग, अब सोचो इतने साल पहले की बात है कि उस समय पर ज़्यादा लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, न्यूज़पेपर भी बहुत कम थे, टीवी भी था नहीं, ग्लोबलाइजेशन था नहीं, तो लोग ज्ञान पाने के लिए केवल एक ही काम करते थे, यात्राएं। और यात्रा भी अगर करनी है तो तुम्हें समुंदर पार करने पड़ते हैं, इसलिए फेमस सेइंग आज भी है कि चलो सात समंदर चलते हैं। तो लोग वोयेज करते थे, लोग यात्रा करते थे, और इसी एक यात्रा पर निकले अपने द फेमस चार्ल्स डार्विन, और उनके जहाज का नाम पूछा जा चुका है, HMS बीगल। वो HMS बीगल नाम के जहाज में अपने कई साथियों के साथ 150 साथियों के साथ उस जहाज से निकले, जहाज से पानी के जहाज से में चले, और बोले चलो आओ पता लगाते हैं कि दुनिया में किसी दूसरे कोने में भी कोई लोग रहते हैं क्या। जैसे आज हम लोग दूसरे ग्रह के बारे में सोचते हैं, ठीक उस समय पर वैसे उस समय पूछे थे क्या कोई अमेरिका के अलावा या फिर इंग्लैंड के अलावा कहीं कोई और जगह है। तो लोग एक यात्रा पर निकले, और यात्रा पर निकले तो उन्हें लगा बाप रे बाप, जो बाइबल में लिखा है वो सही नहीं है, आई एम सॉरी, कोई गुस्सा ना हो जाए। तो बेटा उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर तो लोगों में सिमिलरिटीज है वेरिंग डिग्री टू देमसेल्फ, यानी इतनी सारी स्पीसीज हैं इनमें आपस में सिमिलरिटीज हैं। पहला पॉइंट उन्होंने देखा, दूसरा इन्होंने देखा कि इनकी सिमिलरिटीज इनके पूर्वजों से भी हैं, और ऐसे पूर्वज जो मिलियन साल पहले रहते थे और आज है ही नहीं। इसका मतलब फादर सुआरेज़ की पहली बात गलत हो रही है, और वो कह रहे थे कि क्या कि जो जैसा है वैसा ही पैदा हुआ है, लेकिन ये कह रहे नहीं, जो जैसा वैसा नहीं पैदा हुआ, हम सब एक जैसे हैं और एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं, और हमारी सिमिलरिटीज हमारे पूर्वजों से हैं। एंड मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बोलते हैं आजकल ऐसी बहुत सारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि फादर सुआरेज़ दूसरी बात ये कहते थे कि जितना है उतना ही रहेगा फ्यूचर में, जितना पास्ट में था उतना ही फ्यूचर में रहेगा। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एंड देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑन डिफरेंट लाइफ इन द ईयर गॉन बाई, और उनका मानना था कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहे हैं। तो भाई बाइबल की बात को सबसे पहले डार्विन ने चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों में बदलाव आते हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होते हैं। और यही बात उन्होंने अपने फेमस थ्योरी में बोला, और दिस थ्योरी वॉज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन।
और डार्विन की इसी थ्योरी को बोला गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला पैराग्राफ मैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के पढ़ूंगा, लेकिन पहले इन पैराग्राफ को सोच लो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि तीन मान्यताएं क्या थी, वो तीनों मान्यताएं याद रखना, हर स्पीसीज जैसी है वैसी रहेगी, दूसरी जितनी डाइवर्सिटी है उतनी रहेगी, तीसरी अर्थ का जो बेटा, तो बेटा अर्थ है उसका जो टाइम है वो 4000 साल से ज़्यादा नहीं है, और इस बात को सबसे पहले HMS बीगल में बैठे जहाज में बैठकर यात्रा करने वाले चार्ल्स डार्विन ने कहा, गलत किया, और उन्होंने देखा कि चीज़ें बदल रही हैं, उन्होंने देखा कि पूर्वज हमारे एक थे, इन्होंने देखा कि अगर पूर्वज एक थे तो हम उन पूर्वजों से बने, ना कि हमें किसी ईश्वर ने बनाया है। तो इन बंदे ने पहली बार थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात कही। अगला पैराग्राफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का है, चाहूँ तो मैं सब कुछ पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसका एक छोटा सा आइडिया आपके सामने लगा देता हूँ, अगर आप इसे समझा पाए तो आप लोग को आ जाएगा, नहीं समझ पाए तो फिर आप मैं पढ़ भी दूंगा। इन्होंने बोला कि देखिए ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, ध्यान सुनना, इस रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। ये डार्विन कह रहे हैं कि हर माँ बाप के अपने चार बच्चे हैं पर चारों बच्चे एक दूसरे से अलग होंगे, वेरिएशंस होंगे। ओके, अब इस वेरिएशन की वजह से ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी इनका जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में ये अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? अडाप्ट, यानी वहां पर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं उन्हें रिप्रोडक्शन करने को मिलता है और वो अपनी जैसी प्रोजनी पैदा करते हैं। अगर वो फिट थे तो फिट प्रोजनी पैदा करते हैं, इसका मतलब अगर फिट ना होते तो वो अपने जैसे लोगों को पैदा ना करते। अच्छा, ये कहानी बड़ी अजीब लगती, इससे कुछ समझ में नहीं आता, ये कौन सा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, बकवास है। अब इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पॉइंट वाइज लिखता हूँ। पहला पॉइंट देखिएगा, मैंने लिखना यही है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों में वेरिएशन होता है, वेरिएबल बच्चे एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करते हैं, अडाप्ट करते हैं, जो अडाप्ट करते हैं कर जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं वो जिंदा रहते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन करने को मिलता है, जो फेल हो जाते हैं वो मर जाते हैं। ये कहानी है। इस कहानी को चार्ल्स डार्विन ने कैसे लिखा, देखिए पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि ऑर्गेनिज्म हैव इनॉर्मस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ऑर्गेनिज्म है इनॉर्मस, मैं पढ़ा रहा हूं, इनॉर्मस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, और बहुत एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो बहुत सारे बच्चा पैदा हो रहे हैं उन बच्चों के हिसाब से, यानी बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन बच्चों के हिसाब से खाना पीना उतना नहीं है, रिसोर्स उतने नहीं है। रिसोर्स में दो चीज़ें याद रखना, एक स्पेस रहने के लिए जगह, दूसरी फूड, यानी कि जितने लोग पैदा हुए उतने हिसाब से रिसोर्स नहीं है, इसलिए पैदा हुए लोग चालू करते हैं दूसरा काम। पहला था ऑर्गेनिज्म है एनॉर्मस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, तो दूसरा काम चालू करते हैं, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है जिंदा रहने के लिए, कि भैया उसे रहने की जगह मिल जाए, खाने की जगह मिल जाए। इन टर्म देखिए हम सब लोग यही कर रहे हैं, हम सब यही कोशिश में कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम सेलेक्ट हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ताकि हम अपने लिए फूड और स्पेस पा सकें, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया में अगर पैसा नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा, फूड और स्पेस। तो एक्चुअली आज भी आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इस स्ट्रगल को जीतने के लिए आपको फिट होना जरूरी है, याद रखना। तो बोलते हैं कि ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा वरना दूसरा मर जाएगा। और बोले अगर जो फिट है उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी, और ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया डार्विन की फिटनेस का मतलब क्या है, इट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो बेटा फिट है वो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, और याद रखना जो सर्वाइव करेगा उसे रिप्रोडक्शन करने को मिलेगा, और जो जैसा होगा वैसे बच्चे पैदा करेगा। इसका मतलब फिट बच्चे
बेटा एनवायरनमेंट में बढ़ने लगेंगे, और फिट बच्चे अगर एनवायरनमेंट में बढ़ने लगेंगे तो एनवायरनमेंट ने किसका सिलेक्शन किया, अनफिट का कि फिट का, और यही क्या कहलाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो बोलते हैं हर बंदा दूसरे से वेरी करता है, और इसीलिए कहते हैं कि चाहे हम भले भाई बहन हैं, आई एम सॉरी कहने के पहले मैं सोचता हूँ चार बार, पर फिर भी बोल रहा हूँ, हम सब भाई बहन हैं, लेकिन हम सब भाई बहन रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं और इन रिसोर्सेज को पाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि हम सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट में जा सकें, और फिट हो गए तो हम और प्रोजनी पैदा करते हैं ताकि वो भी फिट रहें, और इस तरीके से हम चाहते हैं हमारी प्रोजनी का नेचुरली सिलेक्शन होता जाए। ये बात होती रहती है। कुछ कुछ ऐसा ही बेटा एक और साइंटिस्ट सोच रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ्रेड वेलेस, और इन्होंने मले आर्किपेलागो, कई बार लोग सोचते हैं ये जानवर है कि क्या है मले आर्किपेलागो, इट इज़ अ प्लेस, ये आइलैंड है मले, मलेशिया, मलेशिया के आसपास कहीं है, आई डोंट नो मलेशिया है कि नहीं, इट इज़ मले आर्किपेलागो। वहाँ पर इन्होंने बेटा बिल्कुल डार्विन की तरह ही देखा, इन्होंने देखा क्या कि लोग वेरी कर रहे हैं, वो बोलते थे कि कुछ ना कुछ वेरिएशन, न्यू वेरिएशन पैदा हो रहे हैं, यानी कि ये भी बाइबल की बात को अगेंस्ट है, जैसे बाइबल कहती थी नए लोग पैदा नहीं होते, ये भी कहते थे नए लोग पैदा हो रहे हैं। इसके बाद ये बोलते थे कि जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो भी कॉमन एंसेस्टर से सिमिलरिटी रखते हैं, कॉमन एंसेस्टर की सिमिलरिटीज रखते हैं, और ये यहाँ तक कहते थे कि धरती बहुत पुरानी है, उसमें इपोक्स हैं, पीरियड हैं, एरा हैं, यानी धरती के समय को बहुत पुराने समय से बनाया जा सकता है, और धरती को युगों में बांटा जा सकता है, हजार सालों में नहीं, युगों में, इन्हीं युगों को बोलते हैं एराज। और उन्होंने बोला भैया धरती कोई 4-5 हज़ार साल की नहीं है, बल्कि इट ऑफ द बिलियन ईयर ओल्ड, यानी कि वेलेस ने दम दिखा करके बोला कि धरती 4 हज़ार साल पुरानी नहीं है, धरती बहुत पुरानी है। इसका मतलब पहले तो डार्विन और दूसरे पर अल्फ्रेड वेलेस, दोनों ने मिल करके बाइबल की उस बात को गलत साबित करने की कोशिश की कि धरती 4000 साल पुरानी। अच्छा यहाँ पर रुक करके मैं पूछता हूँ, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग बाइबल के अगेंस्ट बेटा सबूत पैदा कर रहे हैं, और बाइबल के अगेंस्ट सबूत पैदा करके वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि नई चीज़ें फिक्स नहीं है, वेरी कर रही हैं, और यही प्रूव करना तो क्या है, इवोल्यूशन है, यानी याद रखना यही प्रूव करना इवोल्यूशन है। तो चलिए पहले तो आप डार्विन के वो चार पॉइंट बोल दीजिए, पहले तो बताओ हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी मिनिमम है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम, बच्चा पैदा बहुत हो रहे हैं, इनॉर्मस बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर क्या उनके लिए क्या कम पड़ रहा है, रिसोर्स, क्या क्या, फूड और स्पेस, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इस स्ट्रगल को जीतने के लिए उन्हें फिट होना पड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जो सर्वाइव करेगा उसे रिप्रोडक्शन करने को मिलेगा, और जो रिप्रोडक्शन करेगा वो बच्चे पैदा करेगा, और लाइक बिगेट्स लाइक, अगर फिट है तो फिट बच्चे पैदा करेगा, और फिट बच्चों का फिर से नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो जो अनफिट होंगे वो मरते जाएंगे और जो फिट होंगे वो बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब नेचर जैसा चाहेगी वैसा बदलाव आपको लाना पड़ेगा, अगर आप बदलाव नहीं लाए तो आप फिट नहीं हो पाएंगे, और बदलाव आना क्या है, इवोल्यूशन। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली इवोल्यूशन के बारे में बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होगा। व्हाट आर द एविडेंस, लोग कहते हैं चलो डार्विन ने मान दिया कि भाई इवोल्यूशन हुए हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, एविडेंस का मतलब ही होता है सबूत, बताइए क्या सबूत है कि धरती में इवोल्यूशन हुए, तो बोले हमारे पास एक नहीं हजारों सबूत हैं, आइए एक एक करके सारे सबूत पढ़ते हैं। पहला सबूत है सबूत नंबर वन, इट इज़ अ डायरेक्ट सबूत, डायरेक्ट एविडेंस, दुनिया में जो सबसे डायरेक्ट एविडेंस हैं जिनको कभी कोई मना नहीं कर सकता, दीज डायरेक्ट एविडेंस आर फॉसिल्स। फॉसिल्स जो होते हैं वो सबसे डायरेक्ट एविडेंस है कि कोई दुनिया में पहले एग्जिस्ट किया है जो आज नहीं है, ये बात अगर प्रूफ हो जाए तो बाइबल की पहली बात प्रूफ गलत साबित हो जाती है। बाइबल कहती है जो जैसा था वैसा ही रहेगा और जितने लोग थे उतने रहेंगे, ना कभी कम हुए ना ज़्यादा, और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि कोई डायनासोर रहा करता था पर आज नहीं है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूव करें, अगर हमें डायनासोर की हड्डियां मिल जाएं, और डायनासोर की हड्डियां मिलेंगी कहाँ, जमीन के ऊपर की, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। इसका मतलब अगर डायनासोर की हड्डियां मिल जाएं, फॉसिल्स मिल जाएं, तो हम प्रूव कर देंगे कि नहीं भैया डायनासोर थे आज नहीं है, बाइबल की बात गलत है। तो बोलते हैं कि फॉसिल्स आर द डायरेक्ट
डायरेक्ट एविडेंस है। और फिर फॉसिल्स की डेफिनेशन बताते हैं, फॉसिल्स आर रिमेन बचे हुए पार्ट है ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स में दबे हुए, चट्टानों में दबे हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट जो है वही फॉसिल बनाता है। जैसे पॉलिन ग्रेन के फॉसिल होते हैं, क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड। अच्छा आप सुनो, बोलते हैं धरती में एक प्रक्रिया है जो हमेशा चल रही है। हो सकता है आप लोग ना माने, आइए इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जगह यही खाली है तो इसी जगह यूज करते हैं। क्या प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया ये है कि धरती की जो सतह है, मान लीजिए ये सबसे ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर सेडिमेंट जमा हो रहा है, यानी धूल जमा होती रहती, नदियों से बहाकर पानी लाए, और ये जो सेडिमेंट जमा हो रहा है ये धरती की परत को और बड़ा कर रहा है। ये देखो, बड़ा कर रहा है। नो डाउट ये परत जमने में सालों साल लग जाएंगे, मिलियन साल लग जाएंगे। आई एक्सेप्ट इट। आप खुद सोचो, आप जब घर, आपका घर बना हुआ था तो आपका घर सड़क के थोड़ा ऊंचा था, आपने देखा सड़क बनते 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 आपका घर और सड़क का लेवल लगभग ऊपर बराबर हो गया, और आपका घर बहुत पुराना हो गया तो वो सड़क ऊपर और तुम्हारा घर नीचे। क्यों हो रहा? क्योंकि चीजों में सेडिमेंटेशन हो रहा। सेडिमेंटेशन इस शब्द को बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अच्छा, सेडिमेंटेशन हो रहा है तो बताओ इस धरती की सतह पर लोग रह रहे होंगे। मान लीजिए सेडिमेंटेशन के दौरान इस सतह पर मैं आज के दिन मर जाऊं और मैं यहां पड़ा हूं, यहां पर पड़ा हूं, आज मेरे ऊपर सेडिमेंट नहीं है, आज तो मैं सबसे ऊपर हूं, जब मरूंगा तो सबसे ऊपर रहूंगा, कोई घुस के थोड़ी ना मरूंगा। पर मैं मरा और मरने के बाद मैं सबसे ऊपरी सतह पर आ गया, अब मेरे ऊपर धूल जमना चालू हुई, धूल और जमती गई, लाखों साल लग गए। लाखों साल लगने पर मेरे ऊपर चट्टानें बनती गई, और इन चट्टानों का नाम है सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। अब देखो सुनो, अब ये सेडिमेंटरी रॉक बनने में एक दो साल लगे होंगे, लाखों साल। अब मैं बोल रहा हूं कि इन लाखों साल की चट्टानों की एज तुम कार्बन डेटिंग से और ऑर्गन डेटिंग से निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल लो कि ये कितनी पुरानी रॉक है। अब तुमने इस चट्टान की खुदाई की, तो खुदाई की तो एक कंकाल मिला, और ये कंकाल सुनील सर का था। पता चला सुनील सर आज के मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे और आज नहीं करते। इसका मतलब रॉक में दबा हुआ प्राणी रॉक के बराबर उम्र का हो सकता है। इसका मतलब अगर चट्टानों की खुदाई करके तुम कार्बन डेटिंग करो तो जो जितने गहरे में मिलेगा वो उतना नया है कि उतना पुराना है? उतना पुराना है। इसलिए जो जितने गहरे में कंकाल मिलता जाएगा वो उतना पुराना है। और बोलते हैं इतने पुराने पुराने ऑर्गेनिज्म ढूंढे गए हैं, जैसे कि डायनासोर, जो मिलियंस ईयर पुराने हैं, जिनकी डेटिंग में मिलियंस ईयर पुरानी हड्डियां मिली हैं। और इससे प्रूफ होता है कि डायनासोर जैसे लोग एग्जिस्ट करते थे, आज करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। इसका मतलब है कि इन डायनासोर से कुछ लोग और पैदा हुए होंगे और आज डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते। तो याद रखना, यही उन्होंने यहाँ पर लिखा है, रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ कस इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट ओवर अदर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेंट फॉसिल एट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में। अब मैंने हिंदी में एक बार बता दिया, जो जितना गहरा वो उतना पुराना, और उसकी डेटिंग करके तुम कार्बन डेटिंग कर सकते हो। और उन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव डेटिंग की टेक्निक पूछी है, वो बता दो, कार्बन डेटिंग है, आर्गन डेटिंग है, बहुत तरीके की डेटिंग है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई गई होगी। अच्छा, बोलते हैं कि फॉसिल के एविडेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दीज आर नोन एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल। तो कभी कोई फॉसिल एविडेंस बोले या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोले, एक ही बात है, ये लिखा हुआ है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इवोल्यूशन हुआ है, इसका सबसे डायरेक्ट एविडेंस क्या है, बता पाएंगे आप लोग? इसका सबसे डायरेक्ट एविडेंस है कौन सा? फॉसिल। यस, पैलेंटोलॉजी। ओके, तो आपने फॉसिल से एक एविडेंस ले लिया, एक एविडेंस पूरा हुआ। आइए एविडेंस नंबर टू इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के लिए एक फेमस सेइंग है, एंड दैट सेइंग इज नोन एज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, रिपीट्स फाइलोजेनी। जो ऑन्टोजेनी है वो फाइलोजेनी को रिपीट करती है। अब ये दोनों शब्द हमारे लिए मुश्किल है। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है वो सारे
सारी बातें जो इवोल्यूशन के दौरान हुई हैं उसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बोलो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ है सर? सिंगल सेल बनी थी, उससे मल्टी सेलुलर बने, उससे फिश बनी, फिर उसे रेप्टाइल बने, फिर उसे बर्ड्स बने, फिर उसे मैमल बने। तो अगर मैं मैमल हूँ तो मैं मछली के स्टेज से गुजरूंगा, यानी मेरी एक ना एक स्टेज ऐसी आएगी जो मैं एम्ब्रियोलॉजी में मछली की स्टेज से गुजरूंगा। और मछलियों के पास क्या होते हैं? गिल्स। तो क्या मेरी बॉडी में कभी गिल्स रहे होंगे? यस। और बोलते हैं यही सपोर्ट, इसी बात को अर्नस्ट हैकल मानते थे। अर्नस्ट हैकल मानते थे कि भैया जो फाइलोजेनी है, जो फाइलोजेनी में हुआ है वही ऑन्टोजेनी में होता है। व्हाट इज ऑन्टोजेनी? इट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजिकल है ना स्टडी। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी हिस्ट्री जब भी देखोगे तो उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेटा स्टेजेस मिलेंगी। और ये मानते हैं कि हर कॉर्डाटा में, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट जिनके पास भी रीढ़ की हड्डी है इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, हम सब में गिल स्लिट्स पैदा होती हैं। और ये गिल स्लिट्स हमें एडल्ट में नहीं मिलती, मिलती हैं नहीं मिलती, लेकिन हमारे बचपन में जरूर पाई जाती हैं। याद रखना यही गिल स्लिट्स फंक्शनल ऑर्गन है मछलियों के केस में। मछलियों के केस में एडल्ट तक में मिलती हैं, हमारे केस में एडल्ट में नहीं मिलती, बचपन में मिलती है। इसका मतलब हम कभी ना कभी मछली की स्टेज से गुजरे, ये बताते हैं। इसका मतलब है जो जो बेटा इवोल्यूशन के दौरान हुआ है वही वही एम्ब्रियोलॉजी के दौरान होता है। जैसे इस दुनिया में पहले क्या आई है सर? पहले आई है सिंगल सेल। तो हर मल्टी सेलुलर स्टेज सिंगल सेल से ही शुरू होती है। आप मानोगे नहीं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट क्या होता है? सिंगल सेल। तो इवन ह्यूमन बीइंग दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम सिंगल सेल। तो उन्होंने बोला हर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको फाइलोजेनी में क्या हुआ ये बताता है, सॉरी आपकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या बताता है। याद रखना नीट के क्वेश्चन में एक बार आ चुका है इनका नाम, कार्ल अंस वॉन बायर, शायद ये 2019 का क्वेश्चन है। वॉन बियर ने बोल दिया था हैकल गलत बोल रहे, मैं ये बात नहीं मानता। और वॉन बियर ने पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दी थी इस थ्योरी को, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। एंड दिस इज द क्वेश्चन नीट, आप अगर नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बताओ कौन था जो ये मानता था कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी? इट इज हैकल। और कौन थे जिन्होंने इसे नकार दिया था? कार्ल अंस वॉन बियर। ओके, तो याद रखना दूसरा एविडेंस। दूसरे एविडेंस के बाद आते हैं तीसरे एविडेंस, एंड दीस तीसरे एविडेंस आर फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। मैं लिख दे रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज अ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखो, क्या क्या देखो? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो तब भी तुम्हें लग जाएगा कि हमारे एंसेस्टर एक ही थे, हमारे पूर्वज एक ही थे। अगर आप क्या देख रहे हैं? एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को उन्होंने बेटा आपके साथ बेटा कंपेयर करने के लिए बोला गया। बोलो कंपेयर करो चार लोगों को। किसको किसको? व्हेल को, बैट को, चीता को और ह्यूमन को। चारों के चारों मैमल हैं, इसमें व्हेल भी मैमल है, बैट भी मैमल है, चीता भी मैमल है और ह्यूमन भी मैमल है। और चारों लोगों को कंपेयर कर रहे हैं उनकी एनाटॉमी से, और एनाटॉमी पर इनके फोर लिंब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फोर लिंब। चलिए यहाँ पर वो डायग्राम है, लिखा कहीं और है, डायग्राम कहीं और है, इसलिए पहले डायग्राम पर चलते हैं। ये रहे फोर लिंब हमारे हाथ, ये रहे चीता के फोर लिंब, ये रहे फिन्स, और ये रहे भाई चमगादड़ यानी बैट के फोर लिम। तो बोलते हैं हर बंदे के फोर लिम में है ह्यूमरस, ये रही ह्यूमरस। इसके बाद है रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। हर बंदा चाहे वो मैन हो, चाहे चीता हो, चाहे व्हेल हो, चाहे बैट हो, तो हम सबके पास है ह्यूमरस, हम सबके पास है रेडियस एंड अल्ना, हम सबके पास है कार्पल्स, हम सबके पास है मेटा कार्पल्स, और हम सबके पास है फैलेंजेस। पर हम सबके फोर लिंब अलग अलग हैं। हमारे फोर लिंब बेटा किसी औजार को पकड़ने के काम आते हैं, चीता के फोर लिंब रनिंग के काम आते हैं, व्हेल के फोर लिंब स्विमिंग के काम आते हैं, और बैट के फोर लिंब
दे हैव फॉर फ्लाइंग, इनके फोर लिम्ब फ्लाइंग के काम आते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम सब अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही जैसी हड्डियां रखते हैं, इसका मतलब हम एक ही जैसे पूर्वज से अवतरित हुए हैं, हम एक ही जैसे पूर्वज से बने हैं, चाहे हमारा नाम मैन हो, चाहे हमारा नाम चीता हो, चाहे हमारा नाम व्हेल हो, चाहे हमारा नाम बैट हो, हम सब एक ही जैसे, क्योंकि हम सब में क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। अब इन्होंने इस बात को बोला है कि हो सकता है कि हम सब के पास काम अलग हो लेकिन ओरिजिन सेम है, फोर लिंब की ओरिजिन सेम है, वर्क में भी डिफरेंट, एंड दिस इज नोन एज इवोल्यूशन, दिस इज नोन एज चेंज, दिस इज नोन एज चेंज ड्यू टू एडाप्टेशन। यानी ये बताता है कि हम लोगों ने अपने आप को बदला है, चीते ने अपने आप को बदला है दौड़ने के लिए। इसका मतलब वो डार्विन की बात को सही प्रूव करता है। डार्विन कहते हैं कि तुम्हें एडाप्ट करना पड़ेगा ताकि आपको क्या हो सको, फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकि आपका क्या हो सके, नेचुरल सेलेक्शन। यानी शुरुआत में हम सब एक जैसे थे लेकिन हम लोगों ने अपना अपना एडाप्टेशन अलग किया। चीता ने दौड़ने के लिए एडाप्टेशन किया, यस, व्हेल ने तैरने के लिए किया, बैट ने बेटा किया फॉर फ्लाइंग, और हम लोगों ने औजार पकड़ने और चीज़ों को पकड़ने के लिए किया, यस। इसका मतलब है हम सब के पास एडाप्टेशन हो रहा है, वी ऑल हैव द एडाप्टेशन, एंड दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी एक ही तरीके की ओरिजिन है पर एक तरीके की ओरिजिन के अलग अलग फंक्शन है। अब बताइए ये रेज कैसी लग रही है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। यानी ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। अगर ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही कहलाते हैं होमोलॉगी या फिर होमोलॉगस ऑर्गन। कभी कोई पूछे व्हाट इज होमोलॉगस ऑर्गन, बताना, व्हेन द ऑर्गन दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन रखने वाले ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और होमोलॉगस ऑर्गन ये बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर एक ही थे, और ये रहा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल और मेटाकार्पल और फैलेंजेस वाली लाइन। तो कोई भी चीज़ आपको अगर ना समझ में आ रही हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इट टेल्स अबाउट द कॉमन एंसेस्ट्री, और ये इस बात को खारिज करता है कि हमें भगवान ने बनाया है। ये इस बात के बारे में बताता है कि हमारे एंसेस्टर एक ही थे और हम उन एंसेस्टर से बेटा इवॉल्व होकर बने हैं, चेंज होकर के बने। और चेंज क्यों होना पड़ रहा है, ताकि हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो सके, अडाप्ट हो सके। आगे बढ़ते डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या फिर होमोलॉगस ऑर्गन अगर ना आए तो बता देना, व्हेन द ओरिजिन एंड सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट, कंडीशन इज होमोलॉगी। इसके बाद इन्होंने होमोलॉगी की एक और एग्जांपल बताए। चलिए इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेन स्टेम और ये रहा यू नो ब्रांच। मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का जो एक्यूट एंगल है इसे बोलते हैं एग्जाइल। इस एग्जाइल पे एक बर्ड है, नाम है एग्जिलरी बर्ड। अब एक ही एग्जिलरी बर्ड है ये, पर अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से ग्रो करती है। कहीं पर ये थॉर्न बनाती है, थॉर्न मतलब कांटा, और कहीं पर ये एक्सिलरी बड बनाती है, टेंड्रिल। इसका मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। टेंड्रिल कहाँ बनते हैं, कुकुरबिटा में, और बेटा थॉर्न कहाँ बनते हैं, बॉगनविलिया में। इसका मतलब बॉगनविलिया और कुकुरबिटा के थॉर्न और टेंड्रिल फंक्शन में डिफरेंट हैं, ओरिजिन में सेम है। इसका मतलब इनमें क्या पाई जाती है, होमोलॉगी। और होमोलॉगी कैसा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट। अच्छा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ाने के बाद वो वापस लौटते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ध्यान सुनना, अगर एक ही जैसा इन्वायरमेंट है, सुनना तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा। एक ही जैसा इन्वायरमेंट है और दो लोग अलग अलग है, जैसे बटरफ्लाई, जैसे बर्ड्स, और दोनों को एयर में रहना है, और एयर में रहने के लिए बाबू उड़ना पड़ेगा, और उड़ना पड़ेगा तो इनको भी विंग्स बनाने पड़ेंगे,
और इनको भी विंग्स बनाने पड़ेंगे। अब विंग्स दोनों को बनाने पड़ेंगे, लेकिन इनको विंग्स बनाने पड़ेंगे अपने बेटा अपने किनके काइटिनस विंग्स होंगे, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं और ये किसके मेंबर हैं, वर्टिब्रेटा के। तो इनके विंग्स हो सकते हैं कि फोर लिंब के बने। इनका मतलब दोनों के पास विंग हैं, लेकिन दोनों के विंग का ओरिजन एक जैसा है कि अलग 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 अलग, तो डिफरेंट ओरिजन एंड फंक्शन सेम। अब बताओ रेस कैसी दिख रही है, डाइवर्जन की कन्वर्जन, यानी कि एक ही जैसे माहौल में लोग एक जैसा अडाप्ट करते हैं। फिर से सुनना, एक जैसे माहौल में एक जैसा अडाप्ट करते हैं। मैं इसका एक और बढ़िया बेहतर एग्जांपल बता सकता हूँ कि जैसे पानी में रहने के लिए व्हेल ने अपने फोर लिंब को फिन बनाया। मछलियों के अलग फिन हैं, व्हेल के अलग फिन हैं, डॉल्फिन के अलग फिन हैं। इसका मतलब तैरने के लिए सब लोग अलग अलग थे। डॉल्फिन मैमल है और फिश क्या है, फिश यू नो द स्पाइसेस, और दोनों अलग अलग ओरिजिन हैं और दोनों अलग अलग ओरिजिन होकर सेम फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्जन की कन्वर्जन। और यही एग्जांपल इन्होंने बोला है, विंग्स बटरफ्लाई ऑर्किड लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। और इस तरीके के इवोल्यूशन को इन्होंने क्या नाम दिया है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को ही उन्होंने एनालॉगी का नाम दिया है। जैसे वहाँ पर हम लोग होमोलॉगी नाम देते थे, यहाँ पर एनालॉगी नाम देते हैं। कोई पूछे व्हाट इज एनालॉगस ऑर्गन, बता पाओगे, व्हेन द ओरिजिन इज डिफरेंट फंक्शन इज सेम, इट इज एनालॉगी। व्हेन द ओरिजिन इज सेम फंक्शन इज डिफरेंट, इट इज होमोलॉगस। तो एक है कन्वर्जेंट और एक कौन है, डाइवर्जेंट। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और एनालॉगी पढ़ाई है, पढ़ लीजिए, अदरवाइज एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, ये एनालॉगी का एग्जांपल है। आप बोलोगे एनालॉगी का क्यों है, क्योंकि तो दोनों की आई इमेज बनाती है, इनकी भी आई इमेज फॉर्मिंग है, इनकी भी आई इमेज फॉर्मिंग है, लेकिन एक है इनवर्टिब्रेट। कैसा है बेटा, कौन, ऑक्टोपस, और एक कौन है, वर्टिब्रेट। तो बताइए ओरिजिन सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट, और फंक्शन सेम। इसी तरीके से फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, पेंगुइन बर्ड्स है, डॉल्फिन क्या है, मैमल्स। तो दोनों के बेटा फ्लिपर्स अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन काम एक जैसे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने दिया स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बताओ स्वीट पोटैटो इज रूट और स्टेम, एंड द पोटैटो इज स्टेम, और दोनों क्या कर रही हैं, स्टोरेज। इसका मतलब सेम इन्वायरमेंट में रहकर सेम तरीके से अडाप्ट करना पड़ता है। एक है बेटा रूट और एक क्या है, स्टेम, और ये भी एक एनालॉगी का एग्जांपल है। तो एनालॉगी इज अ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, और बताओ होमोलॉगी इज अ डाइवर्जेंट। और इवन उन्होंने दो मॉलिक्यूलर एग्जांपल दे दिए, ये एग्जांपल तो एकदम रामबाण है। जब भी आप फंसें तो इन एग्जांपल का को जरूर बोले कि याद रखना, इस दुनिया में कोई भी हो, कोई भी हो, इवन प्लांट क्यों ना हो, हमारा एंसेस्टर कॉमन ही है। प्लांट और हमारा भी एंसेस्टर कॉमन क्यों है, क्योंकि तुम प्लांट का डीएनए उठा लो, हमारा डीएनए उठा लो, वही चार नाइट्रोजन बेस, बोलो कौन, ए टी जी सी। तुम बेटा प्रोटीन में अमीनो एसिड उठा लो, क्या उठा लो, अमीनो एसिड, सबके पास वही 20 अमीनो एसिड, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। और ये बताता है कि हम सब लोग एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। तो इन्होंने यहाँ प्रोटीन और जीन के बारे में बोला है कि वी हैव द कॉमन एंसेस्ट्री, हमारा एंसेस्टर कॉमन है। अब लोगों ने कहा अगर हमारे सारे एंसेस्टर कॉमन है तो फिर हम बदल क्यों रहे। बोले इसका तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा उदाहरण बता सकता हूँ, और उन्होंने क्या गजब उदाहरण बताया है, मैंने जब भी पढ़ा था तो मुझे सही लगा था इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि आदमियों ने, ह्यूमन बीइंग ने कुत्ते की नस्लें पाली, डॉग्स, और डॉग में से ब्रीड पैदा करना चालू किया। अभी आपको मालूम है नेचुरल तो वाइल्ड डॉग ही हुआ करते थे, जंगली कुत्ते ही हुआ करते थे। आज तुम देख लो जर्मन शेफर्ड है, इस बुलडॉग है, और जाने कौन कौन से डॉग है, यानी डॉबरमैन है। इसका मतलब कहते हैं कि हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के बहुत सारी ब्रीड पैदा कर दी, और सारी ब्रीड एक दूसरे जैसी हैं कि अलग अलग है, अलग अलग है, और ये हमने कुछ 100 सालों के अंदर किया है, यानी कुछ 100 सालों के अंदर हमने नई ब्रीड पैदा कर दी। तो क्या नेचर में रहते हुए बिलियन साल में नई स्पीसीज पैदा नहीं हुई होंगी, हुई होंगी। इसका मतलब अगर आदमी ये कर सकता है
तो नेचर तो कर ही सकती है ना, आदमी ये 100 साल में कर सकता है और नेचर में तो मिलियन ईयर से हम लोग रह रहे, इसका मतलब नई स्पीसीज पैदा हो सकती हैं। और नई स्पीसीज पैदा होना, बताओ स्वरेज की बात को सपोर्ट करना है कि अपोज, अपोज कि फादर स्वरेज क्या कहते थे, नई स्पीसीज पैदा नहीं होती, इसलिए ये लोग फादर स्वरेज के पीछे पड़ गए, बोलते भैया नई स्पीसीज भी पैदा कर सकते हैं हम, देखिए हमने डॉग में अल्सेशियन पैदा कर दिए, ये लिखा हुआ डॉग, हमने जर्मन शेफर्ड पैदा कर दिए, ये नेचुरल नहीं थे, ये वाइल्ड डॉग के पार्ट नहीं थे, लेकिन आज हमने ब्रीड पैदा कर दी। इवन जो तुम गेहूं खाते हो वो नेचुरल नहीं है, जो तुम वीट खाते हो इसकी जाने कितनी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वीट राइस इनको कैसे हाइब्रिडाइजेशन करके बदला गया, कैसे इनमें बायो फोर्टिफिकेशन किया गया, अगला चैप्टर हम लोग का वही है, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे बदलाव आए। इसका मतलब अगर हम पौधों में ब्रीड पैदा कर सकते हैं और एनिमल में ब्रीड पैदा कर सकते हैं 400 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में, तो बताइए क्या मिलियंस ईयर में नेचर नई स्पीसीज पैदा नहीं कर सकती, कर सकती है। और इस तरीके से उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। और एक इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आपकी बुक में नहीं लिखा है इसलिए कहीं पर एक लाइन लिख लीजिएगा, पैराग्राफ यही है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। माफ़ करिएगा मैं अभी से समझाऊंगा, बहुत अंडरलाइन करने में ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ रट के आए हो, पहले इसे समझ लो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो एक मौत था, मौत ये आर्थ्रोपोडा का मेम्बर है, इसकी दो वैरायटीज थी, एक ब्लैक वैरायटी यानी काले रंग का एक मौत और एक था वाइट या ग्रे, कुछ लोग इस किताबें ग्रे लिखती हैं, हमारी एनसीईआरटी शायद ग्रे लिखती है कि वाइट लिखती है, आई डोंट नो, वाइट डार्क, वाइट वाइट डार्क और वाइट, डार्क मतलब ब्लैक और वाइट मतलब यू नो वाइट मतलब थोड़ा कम, ओके। अब इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैंने कभी पढ़ा था, वैसे आप ना लिखें क्योंकि बुक में नहीं लिखा है तो मत लिखें। इसका नाम है बिट्सन कार्बोनेरिया, कार्बोनेरिया जरूरत नहीं है, मुझे याद इसलिए लिख दे रहा हूँ, ना अगर आपका मन करे तो मत लिखेगा, बेटुलेरिया। ये दो प्रकार के मौत हैं और एक ही मौत के दो प्रकार हैं, एक काला और एक सफ़ेद, या फिर एक डार्क और एक सफ़ेद, ये एनसीईआरटी बुक। और बोलते हैं कि 1920 के पहले की बात है, 1920, अब ये सन 1920 क्यों लेते हैं, सॉरी 1850, आई एम सॉरी 1850 सन की बात है, ये उस समय की बात है जब पूरे संसार में कहीं इंडस्ट्री नहीं थी, हम लोग बेटा इंडस्ट्री में नहीं थे, यानी 1850 के पहले इंडस्ट्री नहीं थे, गृह उद्योग हों तो हों लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उद्योग नहीं थे। तो अगर उद्योग नहीं था तो नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं था, और अगर पॉल्यूशन नहीं था तो बताओ पेड़ों में लाइकन ग्रो करता होगा कि नहीं करता होगा, करता होगा, बताओ लाइकन कब मरता है, पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में। तो बेटा यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस हुआ करती थी इनमें लाइकन ग्रो करते थे, और ये जो लाइकन थे ये थोड़े वाइट कलर के थे, कैसे थे, वाइट कलर के। तो बताओ पौधों का बैकग्राउंड कैसा रहता होगा, वाइट। अब इस वाइट कलर में हमारा वाइट कलर वाला मौत छुप जाता था, अब इसे वाइट ही मान लीजिए, छुप जाता था, तो वाइट कलर में वाइट कलर वाला मौत छुप जाता था, लेकिन भैया ब्लैक कलर वाला साफ साफ दिखाई पड़ने लगता था। अगर ब्लैक कलर वाला मौत कहीं दिखाई पड़ा, कहीं किसी जगह बैठा है आपके पेड़ में, तो दिख जाता था, और जो दिख जाता था उसका प्रेडेशन कम होता होगा कि ज्यादा, ज़्यादा, तो इसको पक्षी ज़्यादा खाते थे। तो बताओ नेचुरली किसका सिलेक्शन हो रहा होगा, वाइट का कि ब्लैक का, और क्योंकि ब्लैक तो मरता जा रहा होगा और वाइट का नंबर बढ़ता जा रहा होगा। तो 1850 या उसके आसपास के सालों में मौत का कौन सा वैरायटी ज़्यादा होगा, वाइट वाला। अब आया सन 1920, और इस 1920 में हुआ क्या, इंडस्ट्री पहली लगी, और पहली जो इंडस्ट्रीज थी वो कोयले की इंडस्ट्री थी, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री थी नहीं, और कोयले की इंडस्ट्री लगने की वजह से खूब सारा धुआं हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड आई, और एक तो लाइकन मरे, दूसरा बेटा डस्ट यहीं पर पेड़ों में चिपक गई, पहले तो लाइकन मरे, लाइकन खत्म हुए, और ऊपर से जो डस्ट है, कोयले की धूल है, वो यहाँ चिपक गई। अब इस कोयले की धूल चपक जाने की वजह से बैकग्राउंड कैसा हो गया, ब्लैक। अब बताओ इसमें काला कीड़ा, ये मैंने रखा जो अभी वहाँ रखा था, बताइए दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब बताओ इसमें अगर कोई ग्रे कलर का कीड़ा है, बताओ दिखेगा,
यस, तो बताओ कौन मारा जाएगा? ग्रे वाला। कौन बचेगा? इसका मतलब ये बेटर अडॉप्ट कर रहा है, उस समय वो बेटर अडॉप्ट कर रहा था। तो बताओ 1920 के बाद किसका नंबर बढ़ा होगा? ब्लैक वाले का। तो बोलते हैं भैया नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो जैसा होता है, जो जितना बढ़िया अडॉप्ट कर लेता है वो उतने ज़्यादा अच्छे लोगों को, वो अपने जैसे लोगों को पैदा करता है, और नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, और इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डार्विन मानते थे। और ये वो कीड़ा है डार्क और वाइट, और डार्क और वाइट, और वो बैकग्राउंड भी दिखा रहे कि कब किस बैकग्राउंड में कौन सा दिख जाता था। इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दे करके प्रूव किया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि कब ग्रो करेगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट दिए, बोले अच्छा तुम किसी की मत मानो, ह्यूमन की मानो। ह्यूमन ने भी इवोल्यूशन में हिस्सा लिया है। बोले कैसे? कहते बहुत सारे इवोल्यूशन ह्यूमन की वजह से हुए। देखो होता क्या था, जब मैं छोटा था, यानी ये मान के चलो कि ये 85-86 के आसपास के टाइम है, मैं छोटा रहा हूँगा 88-89, तो उस समय पर गाँव में DDT का छिड़काव होता था, याद रखना, 8 DDT का छिड़काव हुआ करता था। अभी DDT का छिड़काव इसलिए होता था कि ताकि मच्छर मर जाए, और मच्छर मर जाए तो लोगों को मलेरिया ना हो। अब हुआ क्या, इस DDT छिड़काव से बेटा 100 में से 90-95 तो मर जाते थे, 5 बचते थे, और वो 5 इस DDT के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए, और रेजिस्टेंट हो गए तो बताओ 100 में से 95 मर गए, 5 फिट हुए, और जो 5 हुए वो क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इन्होंने अपने जैसे लोग पैदा किए, अपने जैसे मतलब जो DDT से रेजिस्टेंट। तो बताओ धीरे धीरे DDT रेजिस्टेंट मच्छर घटने लगे कि बढ़ने लगे? तो बताओ अब उन्हें DDT डाला जाता होगा तो मरते होंगे कि नहीं मरते होंगे? 5 मरते होंगे, 95 जीते होंगे। इसका मतलब हमने DDT का छिड़काव करके, हर्बिसाइड का छिड़काव करके कैसी स्पीशीज को बढ़ा दिया, इट इज इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट। और इवन आज भी यही है, आप गांव में चलो जाओ, क्वैक्स बोलते हैं झोला छाप डॉक्टरों को हम लोग, माफ करिएगा, वो लोग भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा किसी का इंसल्ट करने का मन नहीं है। तो क्वैक्स क्या करते हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि तुम्हें कौन सी दवा देनी है। आप उनके पास जब बुखार लो, उन्हें 3-4 एंटीबायोटिक आपको पकड़ा देनी, 4-5 एंटीबायोटिक, कोई ना कोई तो तुमको भगवान असर कर ही जाएगी, और अगर असर कर गई तो तुम ठीक हो जाते। तुम्हें लगता है 10 रुपए में, 20 रुपए की फीस में भाई साहब ने मैं ठीक कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो एंटीबायोटिक जो एक भयानक बीमारी में यूज होती, उसको उन्होंने नॉर्मल बीमारी में यूज कर लिया, और एक दिन आपको भयानक बीमारी हुई और अब आपकी उस एंटीबायोटिक की जरूरत थी, और आपकी बॉडी ने कहा कि ये एंटीबायोटिक तो तुम मुझे पहले खिला चुके हो, और मेरी बॉडी इसके रेजिस्टेंट पैदा कर चुकी है, बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा कि नहीं मरेगा? इसका मतलब तुमने ब्रह्मास्त्र उठा लिया केवल एक तिद्दी से आदमी को मारने के लिए, अब बताओ तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं बचा। तो अब जो बैक्टीरिया आ रहा है, इसीलिए पहले की TB ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाती थी, आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी TB है, तुम दवा दो तब भी नहीं ठीक हो रही। तो बोल रहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इवन पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट चीज़ें पैदा हो रही हैं। इससे प्रूफ होता है कि क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। और इसका मतलब है हर बदलते हुए माहौल में, हर बदलते हुए माहौल में लोग अपने आप को क्या करते हैं, बदलते हैं और अडाप्ट करते हैं, और अडाप्ट करके अपना नेचुरल सिलेक्शन करते हैं, और इससे प्रूफ होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, नेचुरल। तो इस तरीके से भैया हमने सारे एविडेंस पढ़ा दिए। एविडेंस के बाद एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है, इस टॉपिक को भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर ये एडाप्टिव रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको एडाप्टिव रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको होमोलॉगी और एनालॉगी नहीं समझ में आई। पहले तो आप मुझे होमोलॉगी और एनालॉगी एक बार रिवाइज करके बताइए। हमने आपको होमोलॉगी क्या बताई? हमने आपको होमोलॉगी बताई द कॉमन ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन, इट इज नोन एज होमोलॉगी। एंड व्हाट इज एनालॉगी? ओरिजिन डिफरेंट एंड कॉमन फंक्शन। तो दो प्रकार की रेडिएशन पढ़ाई, एक कॉमन सोर्स से बाहर निकलती हुई डाइवर्जेंट, और एक कन्वर्जेंट। तो दो प्रकार की रेडिएशन है, एक है एडाप्टेशन के दौरान डाइवर्जेंट रेडिएशन, और एक कन्वर्जेंट। पर देखना NCERT ने ये बात यहाँ पर होमोलॉगी और एनोलॉगी सिर्फ सिखाई नहीं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। अब देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि डार्विन भाई साहब जो थे वो जब टहल रहे थे तो टहलते टहलते गैलापागोस आइलैंड में पहुंचे। याद रखना ये गैलापागोस आइलैंड जो हैं, ये 14 आइलैंड का समूह है, 14 आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं।
यानी द्वीप है, 14 द्वीप है, मानी एक समुन्दर का ये एरिया है, इस समुन्दर के एरिया में 14 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, क्योंकि ये समुन्दर में टहल रहे थे तो एक द्वीप मिलते थे इन्हें, यानी आइलैंड्स मिलते थे। तो एक लोकल बड़ी सी एरिया के छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। इन 14 के 14 आइलैंड को इन्होंने नाम दिया गैलापागोस आइलैंड। अब ये गैलापागोस आइलैंड में टहल रहे, हर आइलैंड में जा करके देखते हैं, और देख करके इन्हें क्या लगता है, देखिए क्या लगता है कि यार इन्हें बर्ड्स की कुछ वैरायटीज मिल रही हैं, जिसको बाद में डार्विन फिंच बोला गया। क्या बोला गया? डार्विन फिंच, डार्विन फिंच मतलब ये बर्ड का नाम है, बर्ड। और इन्होंने देखा कि ये जो ओरिजिनल बर्ड थी, जो अमेरिका से चली थी या कहीं से भी चली हो, किसी जगह से चली थी, नेचुरल जगह से चली थी, तो पहले ये सीड ईटिंग थी, ये सीड खाया करती थी, ये सीड ईटिंग थी, तो इसकी जो चोंच थी वो सीड को पकड़ने के लिए बनी थी, यानी इसकी चोंच का जो मॉडिफिकेशन था वो टू पिक द सीड। पर जब ये डार्विन फिंचेस आइलैंड्स में पहुंची तो अलग अलग हैबिटेट में गई। मैंने क्या बोला? अलग अलग आइलैंड में नहीं, क्या बोला? अलग अलग हैबिटेट में गई, यानी एक ही आइलैंड में, हो सकता है इसी आइलैंड में अलग अलग हैबिटेट में गए। और अलग अलग हैबिटेट में जाने पर इन्होंने अलग अलग फूड रिसोर्सेस खाए, किसी ने इंसेक्ट खाना चुना, किसी ने फ्रूट खाना चुना, किसी ने लीफ खाना चुना, तो हर बेटा सीड ईटिंग वैरायटी जो थी उसने अपनी चोंच को बदला इंसेक्ट खाने जैसा, फ्रूट खाने जैसा, लीफ खाने जैसा। इसका मतलब है इस एक चिड़िया ने अपनी चोंच को बदला एक ही तरीके से कि अलग अलग तरीके से, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अडाप्ट कर रही है। क्या कर रही है? अडाप्ट। और अडाप्ट करने की वजह से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो रही है, एंड दैट इज नोन एज अडाप्टिव रेडिएशन। आपको क्या लग रहा है, ये चिड़िया कन्वर्जेंट शो कर रही है कि डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट जैसा शो कर रही है। पर आप शब्द डाइवर्जेंट मत बोलिएगा, केवल क्या बोलिएगा? एडाप्टिव रेडिएशन। क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन जिनको तुम डाइवर्जेंट समझोगे कभी कभी कन्वर्जेंट हो जाती हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कन्वर्जेंट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइलैंड में थे, इन्होंने एक अमेजिंग चीज देखी जिसको बाद में इन्होंने डार्विन फिंचेस का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि जो वैरायटी थी ओरिजिनली एक ही आइलैंड में जो थी, इन्होंने उस आइलैंड में उस बर्ड्स को बदलते हुए देखा। मैं लिख देता हूँ, देख रहा हूँ, इन्होंने देखा फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, पहला उसका सीड ईटिंग फीचर था, द अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक एरोज इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस। उनमें से कुछ एडक्ट कैसी हो गई? इंसेक्टिवोरस हो गई, कीड़ा खाने लगी, और कुछ वेजिटेरियन हो गए। वेजिटेरियन में कुछ लीफ खाने लगी, कुछ फल खाने लगी, लीफ खाना भी वेजिटेरियन है, फ्रूट खाना भी वेजिटेरियन है। तो हर बंदे की, हर चिड़िया की चोंच एक जैसी की, अलग अलग। और इसी को क्या बोला? एडाप्टिव रेडिएशन। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप मेरे साथ अंडरलाइन करिएगा ताकि आपको याद रहे, दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग अदर एरिया ऑफ जोग्राफी इज कॉल्ड एट एडाप्टिव रेडिएशन। वॉट इट मीन्स, एक जगह पर सीड ईटिंग वैरायटी थी और उससे उसी जगह के अलग अलग हैबिटेट में, उसी जगह के सेम जगह के अलग अलग हैबिटेट जाने पर अलग अलग तरीके का एडाप्टेशन हुआ, एंड दैट गिव यू द रेडिएशन, एंड दैट रेडिएशन इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन। यू गॉट इट? अगर एडाप्टिव रेडिएशन समझ में आ गया तो इस एडाप्टिव रेडिएशन का एक और एग्जांपल दिया है जिसको समझाने में मेरा दिमाग खराब होता है और आपका समझने में भी खराब होता है, और वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल। हुआ क्या कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के समय, आप लोग पहले समझिएगा वरना मामला बिगड़ जाएगा। हुआ ये कि लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, जो भी है, ये सब आपस में एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। तो इसी दूर दूर जाने में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, एक जो देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे अलग हो गया। और ऑस्ट्रेलिया अगर सबसे अलग हो गया
तो वो बाकी देशों से, बाकी कंटिनेंट से अलग हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक बेटा एडाप्टेशन जरूरी था कि आपको मार्सुपियल होना पड़ेगा। व्हाट इज मार्सुपियल? यानी आपको अपने बच्चों को अपनी यू नो थैली में पैदा रखना है, इनको बोलते हैं मार्सुपियल, जो अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं। अच्छा, अब एक रैट है, एक अलग स्पीसीज है, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया तो उसको मॉडिफाई होके कैसे बनना पड़ेगा? मार्सुपियल। एक बेटा फॉक्स है, ये यहाँ पर लैंड फॉक्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गई तो भी क्या होगा? मार्सुपियल होना पड़ेगा। इसी तरीके से एक वुल्फ है, अगर उसको बेटा ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में फंस गई, तो उसको ऑस्ट्रेलिया में जिंदा रहना तो कैसा होना पड़ेगा? मार्सुपियल होना पड़ेगा। तो बोलते हैं जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन एक ही जगह होने लगे, फिर सुनना, इधर देखना, मैं पहले से लिख रहा हूं, इस जगह पर एक जगह से रेडिएशन गई, मान लो इस जगह पर आपको मार्सुपियल होके रहना है, तो अगर यहां पर आप मार्सुपियल होकर रह रहे हो तो यहां जरूरी नहीं कि मार्सुपियल रहो, लेकिन अगर यहां पर कोई दूसरा भी आया तो कैसे होगा? मार्सुपियल। यहां पर तीसरा आया तो कोई हुआ? मार्सुपियल। चौथा आया तो मार्सुपियल। ये किसी एक रेडिएशन से था, ये किसी दूसरी रेडिएशन से आया, ये किसी तीसरी अडाप्टिव रेडिएशन से आया, ये किसी चौथी अडाप्टिव रेडिएशन से आया। जब मोर देन वन अडाप्टिव रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में घटने लगे तो बताओ डाइवर्जेंट हो गया कि कन्वर्जेंट हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। और ऐसा ही कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया। नहीं आया? अगर आपको ये ना समझ में आए तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं चीजें, आप देखना और अंडरलाइन करना। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सब लोग अंडरलाइन करेंगे, व्हेन, देखो सब लोग, व्हेन मोर देन वन अडाप्टिव रेडिएशन, फिर से मैं लिख रहा हूं, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, किसी isolated geographical area में एक से ज्यादा adaptive radiation आ जाए, यानी एक से ज्यादा adaptive radiation आ जाए, representing, आगे लिखा हुआ है, representing different habitat, जो अलग अलग एडाप्टिव रेडिएशन आई है वो अलग अलग हैबिटेट से आई हैं, अलग अलग हैबिटेट से आई हैं, लेकिन किसी एक लोकल जगह पर आ गई हैं, तो बताओ ये एक अलग एडाप्टिव रेडिएशन का पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और सब एक जगह आ गई हैं, तो बताओ डाइवर्जन की कन्वर्जन? कन्वर्जन, यही लिख रहा है, डिफरेंट हैबिटेट, वन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो बताओ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल डाइवर्जेंट रेडिएशन का एग्जाम्पल है कि कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट। और डार्विन फिंचेस? डाइवर्जेंट। तो दो तरीके के रेडिएशंस हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट, और इस तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि देखिए कौन किससे पैदा हुआ। मोल था प्लेसेंटल, उससे क्या पैदा हुआ? मार्सुपियल मोल। एंट ईटर था नॉर्मल, उससे क्या पैदा हुआ? नंबट, ये भी मार्सुपियल है। माउस से क्या हुआ? मार्सुपियल माउस। लेमर से क्या हुआ? स्पॉटेड कसकस। फ्लाइंग स्क्वायरल से क्या हुआ? फैलेंजर्स। बताओ बॉब कैट से क्या हुआ? टॉस्मेनियन टाइगर कैट। और वुल्फ से क्या हुआ? टैस्मेनियन वुल्फ। और इस तरीके से यहाँ पर ये अलग रेडिएशन से आया, ये अलग रेडिएशन से आया, ये अलग रेडिएशन से आया, और सब कहाँ आए? ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब एक जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारी रेडिएशन हुई। बताइए डाइवर्जन की कन्वर्जन? कन्वर्जन। और बताओ डार्विन फिंचेस क्या थी? डाइवर्जन। और इस तरीके से दो प्रकार की रेडिएशन आपको समझ में आ गई। नाउ एक छोटा सा टॉपिक, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बोलते हैं माना कि डार्विन सही है, ओके, सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि टॉपिक बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा ना हो कि कल को तुम कह दो कि सर समझ में नहीं आया तो मैं गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान सुनना, माना कि उन्होंने माना कि भाई डार्विन सही है, और अगर डार्विन सही है तो डार्विन के हिसाब से लोगों में आता है वेरिएशन। भूले नहीं हो तो, अगर भूले नहीं तो बताओ, उन्होंने बोला था बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और सारे बच्चों में क्या होता है? वेरिएशन। और इस वेरिएशन के दौरान कुछ लोग क्या करते हैं? एडाप्ट। क्या करते हैं? एडाप्ट। और जो एडाप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? फिट। और फिट का क्या होता है? सर्वाइवल। और जिनका होता है सर्वाइवल उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन, और अनफिट लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो बोलते हैं अगर ऐसा है तो आओ इसे करके सिखाओ, चलो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा आप एक बैक्टीरिया की प्लेट लो और इसमें एक ए नाम की कॉलोनी रखो, यानी ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ओके। अब क्या किया तुमने, जो
न्यूट्रिएंट मीडियम दिया है या नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम दिया है? नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम है मतलब इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, ओके? पर तुम्हें मालूम है इस बैक्टीरिया की कॉलोनी में वेरिएबल बैक्टीरिया है, यानी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है। अब आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया की कॉलोनी में न्यूट्रिएंट मीडियम को बदल दिया, यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ केमिकल मिला दिए, और ऐसे केमिकल मिला दिए कि उस केमिकल की प्रेजेंस में सारे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, वही सर्वाइव कर सकते हैं जो इस केमिकल में अडाप्ट कर जाए। तो बताइए इस पूरी ए कॉलोनी में कुछ लोग जो होंगे वो बेटर अडाप्ट हो करके अपनी पॉपुलेशन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। लेट सपोज इट इज अ बी, बोलो क्या ये बी? तो बताओ बी और ए एक जैसे होंगे कि अलग अलग? अलग अलग। तो बोलते हैं ए कॉलोनी में बी पैदा हुए कि पहले से थे? पहले से थे, पर उन्होंने अपने आप का नंबर क्या किया, घटाया कि बढ़ाया? बढ़ाया, क्योंकि उनके जैसे लोगों का क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि क्या बदला, इन्वायरमेंट। क्या बदला? और इन्वायरमेंट में क्या बदला, न्यूट्रिएंट मीडियम। और न्यूट्रिएंट मीडियम बदला तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम को पाने के लिए लोगों ने अपने आप को अडाप्ट किया। जो अडाप्ट कर गए उनका नंबर बढ़ गया, और जो नहीं अडाप्ट किए वो क्या हो गया, मर गए। इसका मतलब है कि ये ए में से बी पैदा हो गया कितने जल्दी, हो सकता है ये ए से बी पैदा होने में लगे तुमको 4 दिन, 4 दिन में तुम्हें नई स्पीसीज मिल गई। क्यों नई स्पीसीज मिल गई? बिकॉज बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन है 20 मिनट्स। कितना बेटा? लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है 20 मिनट, यानी हर 20 मिनट में वो अपने आप को नया पैदा कर लेता है। चूंकि जल्दी पैदा करता है इसलिए जल्दी अडाप्ट करता है। पर मान लो आदमी को यही काम जो ये 20 मिनट में कर रहे, यही काम करने के लिए 50 साल लगते हैं। तो जो 50 साल जो उन्होंने 4 साल में किया, क्या वही हमको करने में 400 साल लग जाएंगे? यस। इसका मतलब आदमी भी बदलेगा, लेकिन 20 मिनट में, 4 दिन में, कि हजारों सालों में? हजारों सालों में। तो जो जितनी छोटी लाइफ साइकिल रखेगा उसमें उतने जल्दी मॉडिफिकेशन होंगे, और जिसकी लाइफ साइकिल जितनी ज़्यादा दूर ज़्यादा और लंबी होगी उसमें मॉडिफिकेशन उतने ज़्यादा। आइए इस पूरी कहानी को मेरे साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट द इवोल्यूशन इज नेचुरल सेलेक्शन। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म इज बी, लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। किससे लिंक है? लाइफ स्पैन से। अगर लाइफ साइकिल फास्ट है तो इवोल्यूशन फास्ट, और अगर लाइफ साइकिल स्लो है तो इवोल्यूशन स्लो। अब इसको उन्होंने करके दिखाया। माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन आवर। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ए ग्रोइंग ऑन मीडियम हैज बिल्ट इन अ वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज द कंपोनेंट। ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग टू द पॉपुलेशन बी। हमने न्यूट्रन मीडियम चेंज किया तो कौन पैदा हो गया? बी। एंड दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। अब बी ही नई कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, ए नहीं सर्वाइव कर रहा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरियस पॉपुलेशन आउट ग्रो। कौन बढ़ जाएगी? बी। एंड द अदर अपियर एज न्यू स्पीसीज। बताओ बी क्या होगी, नई स्पीसीज की तरह पैदा होगी? दिस वुड हैपन विद इन डेज, दिन में हो गया। फॉर द सेम थिंग टू बी हैपन फॉर फाउल विल टेक फॉर मिलियन ईयर, फॉर ह्यूमन फॉर मिलियन ईयर्स। इसका मतलब फिटनेस जो है बी की वो बेटर है किससे, ए से। इसीलिए बी अपने नंबर को बढ़ा रहा। जो काम इसने 4 दिन में कर दिया, क्या हमें 4000 या 4 लाख साल लग सकते हैं? यस सर, क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैं सच में क्वेश्चन बनाऊं तो यहां बनाऊं कि बताओ क्या तुम्हारा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म किस बात पर डिपेंड कराता है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया। इसके बाद इन्होंने कुछ और बातें बताई। हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस। उन्होंने कहा कि डार्विन की थ्योरी की दो ही बड़ी बात है, और उन दोनों बड़ी बातों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। वन इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। बच्चे नेचुरल सिलेक्शन तक तो ठीक रखते हैं, लेकिन ब्रांचिंग डिसेंट पूछते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सर गुस्सा आ जाएंगे। नहीं, पहले सोचो कि क्या है ब्रांचिंग डिसेंट। बोलते हैं
कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज ऑर्गेनिज्म है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और वो ए टाइप का है, तो उसमें वेरिएशन हुए और कुछ लोग ए जैसे रहे और कुछ लोग बी जैसे रहे, तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हुए। क्या नाम हुआ? ब्रांचिंग। अब इन ए में से ए वाला अनफिट निकला, कैसा निकला? अनफिट। और बी वाला कैसा निकला? फिट। तो फिट काले का क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन। तो हमेशा पॉपुलेशन में बहुत सारे प्रकार के लोग रहेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी, लेकिन उन ब्रांचेस में कुछ लोग फिट, कुछ लोग अनफिट। जो फिट है उनका नेचुरल सिलेक्शन, जो अनफिट है वो गए काम से। और इसी बात को एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था, और उनका नाम है लेमार्क। और लेमार्क ने डार्विन की तरह बताया, लेकिन थ्योरी अलग थी। फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लेमार्क, और इन्होंने लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी। लेमार्क ने कहा था नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली यूज एंड डिसयूज थ्योरी। यूज एंड डिसयूज थ्योरी को उन्होंने बताया था, और इन्होंने बताया था कि जैसे जिराफ है, ओके, जिराफ है, तो जिराफ के पास खाने के लिए जमीन में कुछ बचा नहीं, घास कम हो गई, तो उन्हें पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ी, और पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए इन्हें अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ी, तो जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा यूज किया। तो जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करते हो, वो ऑर्गन घटेगा लंबाई में कि बढ़ जाएगा। इसलिए जिराफ की गर्दन नेक जो होती गई वो लॉन्ग होती चली गई। डार्विन ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। डार्विन कहते हैं कि जिराफ की पॉपुलेशन में ब्रांचिंग थी और डिसेंट हुआ है। क्या मतलब? जिराफ पहले से ही कितने प्रकार के थे? दो। एक कैसे? छोटी गर्दन वाले, और एक कैसे? बड़ी गर्दन वाले। जब तक घास जमीन में मिलती रही, हमें पता ही नहीं चल पाया कि छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन का क्या फायदा है, तो दोनों सर्वाइव करते रहे। पर एक दिन बेटा पत्तियां खानी पड़ी, तो कौन खा पाया होगा? बड़ी गर्दन वाले। और कौन नहीं खा पाया होगा? छोटी गर्दन। कौन मरने लगे होंगे और कौन बेटा नेचुरल सिलेक्ट होने लगे? बड़ी। इसका मतलब किसका नेचुरल सिलेक्शन होने लगा? बड़ी। जबकि लेमार्क क्या कहते हैं कि उसने अपना ये ऑर्गन ज्यादा यूज किया, इस वजह से ये लंबा होता चला गया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट ने एक चूहे को 24 जनरेशन तक पूछ काट कर छोड़ा। पहले काटा पिताजी की, उसका बच्चा पैदा हुआ उसकी, फिर उसका बच्चा हुआ उसकी, पर हमेशा चूहा किससे पैदा होता रहा? पूछ के साथ। इसका मतलब है जिस चीज़ को ना यूज़ करो क्या वो गायब हो जाएगी? नहीं। लेकिन लेमार्क भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेमार्क वेस्टिजियल टीथ, निकटेटिंग मेम्ब्रेन, यू नो, हमारी मैमल की पूंछ, इन सब को कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं। खैर, लेमार्क और डार्विन में नहीं फंसते, लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए लेमार्क सही कि डार्विन सही, आंख बंद करके किसे लगाना? डार्विन। क्योंकि डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज ऑलवेज अप्रूव्ड बाय द अदर साइंटिस्ट। दूसरे साइंटिस्ट ने भी उन्हें अप्रूव किया है, और इस तरीके से डार्विन की थ्योरी के बारे में बात हो गई। ओके ओके। अच्छा, बोलते हैं डार्विन भले कितने बड़े चतुर इंसान बने, लेकिन कहते हैं डार्विन भी, मैं बोलना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें में, कोई मुझे डांट भी सकता है, कोई बड़ा टीचर सुन रहा होगा तो कहेंगे कैसा आदमी है, पढ़ रहा क्या पढ़ा रहा बच्चों को, पर मैं एक गलती करते हुए बता देता हूँ। कहते हैं कि डार्विन ने भी आइडिया चुराया था, ये नेचुरल सेलेक्शन का आइडिया डार्विन का था ही नहीं। डार्विन ने यह आइडिया चुराया था इन फेमस साइंटिस्ट से, इनका नाम है थॉमस माल्थस। इवन एनसीईआरटी भी लिखते लिखते घबराती है। देखो क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द। अब हम लोग क्या है, हम लोग छोटे लोग हैं, गंदे लोग हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि अरे डार्विन ने माल्थस को आइडिया को चुराया था, क्या मालूम क्या हुआ था। लेकिन कहते हैं माल्थस अपनी चीजें खुद कर रहे थे, और माल्थस के इन आइडिया को, इन सारे आइडिया को डार्विन ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था, और उस हिसाब से उन्होंने माल्थस की तरह सोचना चालू किया था। अब माल्थस क्या कहते थे?
माल्थस वही बात कहते थे जो डार्विन बाद में कहे। माल्थस ये कहते थे कि ठीक है पॉपुलेशन बढ़ती है बढ़ने दो, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनॉर्मस इनॉर्मस प्रोजनी बन सकती हैं। इनॉर्मस प्रोजनी क्यों बन सकती हैं? क्योंकि वो इस प्रोपेगेशन को मानते थे, यू नो ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन। कहते थे एक बैक्टीरिया से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, आठ से सोलह बना, इस तरीके से ग्रोथ कैसी हो रही है लोगों की, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब है पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल। ये कौन मानता था? माल्थस। और बोलते थे पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थमैटिक ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं? अर्थमैटिक। यानी ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे, अर्थमैटिक प्रोपेगेशन ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एक्सपोनेंशियल, और जो तुम्हारी रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं वो कैसे? लीनियर। लीनियर का मतलब है कौन कम ग्रो कर रहा है रिसोर्सेस, और कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो एक ना एक दिन क्या होगा कि खाना कम पड़ेगा, और खाना कम पड़ेगा तो एक लिमिटेड जगह के लिए, याद रखना है कि लिमिटेड जगह के लिए रहने वाले लोगों की संख्या एक फिक्स ही है। मान लो इस कमरे में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों का स्पेस है, पर 100 लोग ही रह सकते हैं। अब लोग 100 से आ जाए 2000, तो बताओ 2000 लोगों में केवल कितने लोग रह पाएंगे? 100। पर क्या बाकी लोग क्या रहेंगे? बाहर। पर बाहर रहने वाले हर बंदा इसमें आने की कोशिश करता रहेगा, तो जो फिट होगा वो आता जाएगा, और जो यहाँ पर अनफिट होगा उसे भगाया जाएगा। इसलिए आपको अपनी प्लेस यहाँ पर मजबूत रखनी है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? फिट। और यही बात उन्होंने कही, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल। यानी किसी पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन कैसी है? फिक्स। इससे ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि क्या कम पड़ जाएगा? रिसोर्सेस। पर पॉपुलेशन ग्रो करने की क्षमता कैसी है? एक्सपोनेंशियल। आगे वो भी लिखते हैं कि भैया पॉपुलेशन ग्रो करने की बेटा एक्सपोनेंशियल है, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। तो बोलते हैं जब पॉपुलेशन पैदा हो रही है तो सब में पॉपुलेशन क्या कर रही है, क्या आ रहा है? वेरिएशन। और ये वेरिएबल पॉपुलेशन किसके लिए लड़ रही है? रिसोर्स। बोलो कौन? तो जो बेटर अडाप्ट कर रहा, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने कहा जो कैसा है, बेटर अडाप्ट कर रहा है, क्या वही ग्रो करेगा? यस, यही लिखा है। देखो रिप्रोड्यूस मैक्सिमली इट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड। पॉपुलेशन की साइज बहुत नहीं बढ़ सकती क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। और उन्होंने और चीजें बोली, क्या बोली देखो, कि देयर इज हैड बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्स। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या करेंगे? कंपटीशन। इन्होंने जिसे कंपटीशन कहा उसी को डार्विन ने क्या कहा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओनली सम सर्वाइव, इन्होंने कहा कुछ सर्वाइव होंगे। कौन सर्वाइव होंगे? फिटेस्ट। एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर कुड नॉट फ्लरिस। किसकी कॉस्ट पर दूसरा फ्लरिस करेगा? जो मर गया है उसके बाद उसकी वजह से दूसरा फ्लरिस करेगा। एंड द नॉवल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट। और डार्विन ने इसी से अपना कौन सा थॉट निकाल लिया? बोलो कौन सा? नेचुरल सेलेक्शन। तो बोलते हैं माल्थस का मेनली पॉपुलेशन पे लिखा गया ऐसे था, तो माल्थस ने नेचुरल सेलेक्शन पर लिखा था कि पॉपुलेशन पर? तो माल्थस का जो ऐसे था वो पॉपुलेशन पर था, लेकिन उस ऐसे से आइडिया किसने चुराया? डार्विन ने। जो किस पे लगाया? नेचुरल सेलेक्शन पे। तो इस पैराग्राफ से ये कहानी हो गई। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन कैसे होते हैं। तो इवोल्यूशन का एक ही तरीका है, इवोल्यूशन होते हैं चेंजेस से। किससे बेटा? और चेंजेस क्यों होते हैं? ताकि बंदा क्या हो सके? अडाप्ट। और चेंजेस जब भी होंगे तो बंदों में क्या आएगा? वेरिएशन। और डार्विन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात करते हैं। कैसी वेरिएशन? तो डार्विन ये कहते हैं, ध्यान सुनना, डार्विन ये कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म में स्लो वेरिएशन हो रहा है। कैसे वेरिएशन हो रहा है? और स्लो वेरिएशन हो रहा है, और ये वेरिएशन डायरेक्शनल है। कैसे हो रहे हैं? डायरेक्शनल का मतलब है कि बेटा इवोल्यूशन के हिसाब से वेरिएशन होते जा रहे हैं। डार्विन कहते हैं जो भी वेरिएशन हो रहा, मान लो तुम्हारी बॉडी अफ्रीका में काली पड़ती जा रही है, इसका कारण है कि तुम सनलाइट से बचना, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप को कैंसर से बचाना चाह रहे हो।
तो आप एक डायरेक्शन पे अडाप्ट होते जा रहे हो। तो याद रखना, डार्विन हमेशा ग्रेजुअल स्लो म्यूटेशन, स्लो चेंजेस की बातें करते थे, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, एक तो थे मेंडल। मेंडल ने कहा था करेक्टर कंट्रोल बाई फैक्टर, और फैक्टर वाली बात बहुत जबरदस्त थी, और तुम जानते हो मेंडल अपने वैज्ञानिकों को कोई मानता ही नहीं था। याद रखना, डार्विन ने भी उन्हें इग्नोर किया। इवन डार्विन इग्नोर कर गए कि मेंडल कोई बात जो कर रहे हैं वो सही है, और बोलते हैं या तो वो चुपचाप रह गए या तो उन्होंने बेटा इग्नोर किया, क्योंकि मेंडल की बात को उन्होंने सुना होता तो शायद डार्विन ये कहते कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो जीन में या फैक्टर में बदलाव की वजह से आ रहे हैं। पर ठीक है, डार्विन ये कहते रहे धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन डार्विन के काम को रीडिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। बताओ तीन लोग थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था, याद है आपको? कार्ल कॉर्नेल वॉन, यू नो, ह्यूगो डी व्रीज और हाँ। तो ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया, एक पौधे पे काम कर रहा था, नाम है इवनिंग प्रिमरोज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, ऑइनोथेरा लेमार्कियाना इस प्लांट का नाम है, और इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के करके प्रूफ किया कि भैया ये स्लो चेंजेस नहीं है, दे आर एब्रप्ट लार्ज। ये बोल देते हैं कि बहुत स्लो वेरिएशन है, और ये कहता था लार्ज डिफरेंसेस पैदा होते हैं और सडनली पैदा होते हैं और पॉपुलेशन में अचानक पैदा करते होते हैं, और ये जो वेरिएशन है यही वेरिएशन अचानक किसी दिन आपको इवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो कौन है जो ग्रेजुअल वेरिएशन की बात करता था? डार्विन। और कौन है जो अचानक हुए वेरिएशन की बात करता है? ह्यूगो डी व्रीज। और इन बड़े बड़े वेरिएशन को ह्यूगो डी व्रीज क्या कहते थे? साल्टेशन। तो ना तो पूरी तरीके से ह्यूगो डी व्रीज सही थे, ना तो पूरी तरीके से डार्विन सही थे ये बताने में कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। ऑल्दो ये बताने में डार्विन बहुत सही थे, नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन के कुछ काम बहुत सही है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, क्यों लोग वेरी कर रहे, ये बताने में डार्विन भी उतना सक्षम नहीं थे जितना कौन सक्षम हो सकते थे? मेंडल। इसलिए दो लोगों की थ्योरी है, एक तो ह्यूगो डी व्रीज की साल्टेशन थ्योरी है, मैं पढ़ दूं ताकि आपको लग जाए कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। मैं यहां से पढ़ रहा हूं पूरा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, वेरिएशन कैसे ओरिजिन होते हैं, एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर, स्पीसीज कैसे बनती है। इवन दो मेंडल हैड टॉक अबाउट द इनहेरिटेबल फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बात की थी, लेकिन डार्विन ने इसे इग्नोर कर दिया था या तो शांत रह गए थे। इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डी व्रीज बेस्ड ऑन द इवनिंग प्रिमरोज ब्रॉट फोर्थ एन आइडिया ऑफ mutation and the large difference arising suddenly in the population. He believed that it is mutation which caused the evolution and not the minor variation that Darwin talk about. तो डार्विन ने कैसे वेरिएशन के बारे में बात की थी? माइनर। और बेटा ह्यूगो डी व्रीज किसके बारे में कहते हैं? मेजर। एंड म्यूटेशन आर रेंडम डायरेक्शनल लेस वाइल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। किसके वेरिएशन डायरेक्शनल माने जाते थे? डार्विन के, जबकि ह्यूगो डी व्रीज के कैसे थे? डायरेक्शनल, और वो अचानक कई बड़ा चेंज पैदा कर देते थे, और क्या कहलाता था? इवोल्यूशन। और उस बड़े चेंज का दूसरा नाम क्या था? साल्टेशन। तो इन दोनों मैकेनिज्म, दोनों थ्योरीज को पूरा सही नहीं माना गया। इसके बाद इस थ्योरी को सही ढंग से प्रूव करने के लिए वो एक हार्डी प्रिंसिपल, हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल बताते हैं। आइए इस हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। मैं बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस, यू नो, इवोल्यूशन। कई लोग सोचते हैं यही सर पढ़ा देते बस काम बन जाता और कुछ ना पढ़ाते। आइए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ जेनेटिक्स की डील करता हूं। अगर आपको जेनेटिक्स सही से आती होगी तो आप काम कर जाओगे। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने हमेशा जेनेटिक्स कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी करके ही पढ़ा है, तो पता नहीं क्यों हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी ही पढ़ना चाहते हैं। बट अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह कैपिटल ए स्मॉल ए रखूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी। ओके, अब इसमें से कैपिटल ए क्या है? इट इज द डोमिनेंट एलील। क्या है बेटा? डोमिनेंट एलील हो गई। और स्मॉल ए क्या है? रेसेसिव एलील। तो आपके पास दो एलील हैं, और दोनों एलील किसी एक करेक्टर के लिए, जैसे कैपिटल टी भी हाइट के लिए, स्मॉल टी भी हाइट के लिए, पर ये हाइट कैसी है? टॉल। और ये कैसी है? डॉर्फ। तो ये दोनों एलील है, एक है डोमिनेंट और एक रेसेसिव। अब सोचो ये रेसेसिव और डोमिनेंट एलील कहाँ रह रहे हैं?
किसी के क्रोमोसोम में रह रही। लेट सपोज ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल स्मॉल टी है। मैं इस कैपिटल टी स्मॉल टी को दोबारा लिख रहा हूँ। मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप वही समझो जो आपको समझना है। ये कैपिटल ये है, ये स्मॉल ए, और ये है भैया आपका मेल। ओके अच्छा, इसी समय पर यहां पर बेटा आपके सामने है कैपिटल ए, स्मॉल ए, और ये है फीमेल। बताइए मैं क्या कर रहा हूं, एफ वन को सेल्फ कर रहा हूं। कैसे, क्या कह रहे हो, फिर से देखो। एक हुआ करता था कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी क्रॉस करते थे, मिलता था कैपिटल टी, ये क्या था एफ वन, फिर एफ वन की सेल्फिंग करते थे। तो हम सेल्फिंग करते वक्त इसी तरीके के दो बंदों को क्रॉस करते थे, उसी तरीके के दो बंदों को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल। अच्छा, अब जब इन्हें क्रॉस कर रहे जा रहे हैं, तो इनसे बना रहे हैं गैमीट। क्या बनवा रहे, गैमीट। हमने कहा भैया गैमीट बनाओ, इन्होंने दो प्रकार के गैमीट बनाए। एक तरफ से आया कैपिटल ए, थैंक यू, दूसरी तरफ से आया स्मॉल ए। बताओ दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, हाफ है। अच्छा, आपने कहा सर ये दोनों गैमीट कहलाए स्पर्म। क्या कहलाए, स्पर्म। अगर ये स्पर्म है तो ये ओवा हुआ, स्पर्म हुआ, ये भी स्पर्म हुआ, कि दोनों मेल के हैं। अब बताओ इसी तरीके से दो ओवा बने, ये रहा कैपिटल ए और ये रहा स्मॉल ए। मैं कहता हूं ये कितना है, हाफ, ये कितना है, हाफ। ओके, अब मैं कहता हूं इनसे बनाओ प्रोजनी। जब मैं इनसे प्रोजनी बनाने के लिए कहता हूं, आप तभी गड़बड़ सबसे ज्यादा करते हो। प्रोजनी बनाते वक्त मैं कहता हूं कैपिटल ए और कैपिटल ए को साथ लाने की कोशिश करो। तुमने कहा सर लाने की कोशिश करते हैं, चलिए आपने कैपिटल ए को साथ में लाने की कोशिश की, यानी ए इधर से आया ओवा से और ए किधर से आया, स्पर्म से। दोनों तरफ से ए और ए आया तो एक बच्चा बना, यानी स्पर्म ने, पापा ने भी ए दिया, मम्मा ने भी ए दिया, अब बना ए। अब बताओ इनकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगी, मल्टीप्लाई। ये कितना था, हाफ, ये कितना था, हाफ, हाफ और हाफ, 1/4, यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको लिखूंगा पी। क्या लिखूंगा, और इसको भी लिखूंगा पी, और पी और पी को मल्टीप्लाई करके बताऊंगा पी स्क्वायर। इसका मतलब पॉपुलेशन में जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे वो क्या होंगे, पी स्क्वायर। अच्छा, अब मैं कहूंगा स्मॉल ए, स्मॉल ए को मल्टीप्लाई करो। तुमने कहा कर लो सर, इधर से आया स्मॉल ए, इधर से आया स्मॉल ए, दोनों स्मॉल ए स्मॉल ए आ गए। अब जैसे ही दोनों स्मॉल ए आ गए, तो तुमने कहा सर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 × 1/2, इट इज 1/4। मैंने कहा मत करो, इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या मानो, क्यू, तो इसको भी मानो क्यू। अब तुम बोलो कहोगे इसको क्यों, क्यों, क्योंकि ये रेसेसिव है और ये भी कैसा है, रेसेसिव। तो यहां पर क्या आया, क्यू स्क्वायर। तो जितने भी रेसेसिव प्रोजनी होंगी वो कितनी होंगी, और जितने भी डोमिनेंट प्रोजनी होंगी। पर सबसे बड़ी लड़ाई यहां पर है, क्या लड़ाई है, कि एक बार आया स्पर्म से कैपिटल ए, ध्यान समझना, और ओवा से आया स्मॉल ए। ओके, स्पर्म से कैपिटल ए और ओवा से स्मॉल ए, और दूसरी बार स्पर्म से स्मॉल ए और कैप और ओवा से कैपिटल ए। लोगों को दोनों बातें एक ही लगती है, एक ही बात नहीं है। इस बार कैपिटल ए आया है स्पर्म से और इस बार कैपिटल ए आया है ओवा से। इस बार स्पर्म ए, स्मॉल ए कहां से आया है, स्पर्म से, और इस बार कहां से आया है, ओवा से। इसका मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए एक साथ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी एक ही बार है, और स्मॉल ए एक साथ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, एक बार है। लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए आए कितनी प्रोबेबिलिटी है, दो बार। इसलिए मैंने कहा अगर ये पी है और ये क्यू है तो ये क्या होगा, पी क्यू, और ये अगर पी है या क्यू है तो ये भी क्या होगा, पी क्यू। तो पी क्यू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दो, एंड दैट इज नोन एज 2PQ। तो बताओ किसी भी पॉपुलेशन में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट होंगी, यस सर, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1, पी स्क्वायर 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज नोन एज हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल। पागल हो तुम, जैसे हार्डी विंबर्ग मान लो,
इसे मेंडल मान लो, बात एक ही है। मेंडल बहुत पहले एक एक गए थे, एलील पेयर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं प्रोजनी में उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। कब तक? जब तक नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जब तक किसी एक को तुम ना बढ़ाने लगो। मान लो तुम्हारा मन करे कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए वालों का नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो मैंने कहा था जिनका नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होगा उनका नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब किसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, पीस, किसकी कम होने लगेगी, टू पी की वह। तो बताओ हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल कब तक लागू होगा, जब तक नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जब तक जीन माइग्रेशन ना हो, जब तक जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। इसका मतलब है हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल तभी तक लागू रहेगा जब तक पांच चीजें ना हो। क्या मैं इसे मिटा करके आगे बढ़ूं? यस। तो हार्डी विंबर्ग यही बोलते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में, मैं लिख दूं, इन एवरी गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन और अ लोकस। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल स्टेट इज यूजिंग एलजेब्रिक इक्वेशन, और इसी बात को उन्होंने एलजेब्रिक इक्वेशन से बोला था, और ये रही वो एलजेब्रिक इक्वेशन जो उन्होंने बोली थी। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस टू, ये रहा, ये एलजेब्रिक इक्वेशन है, पी स्क्वायर प्लस टू पी की प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू। क्या हुआ बेटा, ये चला क्या गया? इसमें चल रहा है, चल रहा है, ओके चल रहा है भाई, चलते हैं। तो बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पी की प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन नॉक कर दो शायद सही कर देगा वो। अच्छा तो अब ये कब पॉसिबल है, जब तक पांच कंडीशन ना हो, और वो पांच कंडीशन इन्होंने लिखा है, फाइव फैक्टर्स हैं जिनमें ये हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। देर आर फाइव कंडीशन, फाइव फैक्टर नोन टू अफेक्ट हार्डी विंबर्ग इक्विलिब्रियम। वन इज जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट, दो म्यूटेशन, तीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चार एंड नेचुरल सिलेक्शन, पांच। यानी पांच चीजें हो जाएं तो हार्डी विंबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा। यानी क्या लागू नहीं होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू स्क्वायर टू वन। चल रहा है, यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरा चैनल से ठीक है, बस ठीक है बस। तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कब तक, इन पांच कंडीशन में, याद रखना। अब इसको हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, जो डायग्राम है कई बार लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं। तो मैं ये डायग्राम पढ़ाने के पहले आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर, आइए यहाँ पर सीखने की कोशिश करो। जब आप वो डायग्राम मेरी तरीके से देख लोगे तो अब आपको नीचे वाला डायग्राम समझ में आ जाएगा। मैंने बोला मान लो ये एक पॉपुलेशन का ग्राफ है जिसमें ये एक लाइन खींची और ये एक लाइन खींची, ये रहा पी स्क्वायर और ये रहा क्यू स्क्वायर, और बीच की एक लाइन खींची और ये रहा पी क्यू और ये भी रहा पी क्यू। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, टू पी क्यू। अब मैं अपने बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द पी स्क्वायर मीनिंग। पी स्क्वायर मीनिंग का मतलब है कैपिटल ए कैपिटल ए होना, यानी कैपिटल टी होना, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट होना। कैसा होना, होमोजाइगस डोमिनेंट होना, ओके। हमने कहा कि ये क्यू स्क्वायर होना क्या है, स्मॉल ए या फिर स्मॉल टी, इसका मतलब ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव होना। सर जी ये होमोजाइगस रिसेसिव होना हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा 2p क्यू क्या है, बोलना सर ये है हेट्रोजाइगस होना, और ये ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा। सिमेट्रिकल मतलब बीच की लाइन की तरफ एक पी क्यू और पी स्क्वायर, और बीच की लाइन की उस तरफ पी क्यू और क्यू स्क्वायर, ये सिमेट्रिकल रहेगा जब तक पांच चीजें ना हो। कौन कौन सी, जीन फ्लो, जेनेटिक रेप, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जीन माइग्रेशन। अगर ये पांच चीजें रिकॉम्बिनेशन ये चीजें ना हो तो ये सिमेट्रिकल रहेगा। पर मान लो नेचुरल सिलेक्शन होने लगा, क्या होने लगा, और नेचुरल सिलेक्शन के दौरान रिसेसिव चीजों का एडाप्टेशन होने लगा, किसका,
तो बताओ रेसेसिव लोगों का एडाप्टेशन होने लगा तो किसका नंबर बढ़ने लगेगा? रेसेसिव। तो जब रेसेसिव लोगों का बेटा बढ़ने लगेगा तो बताओ ग्राफ में कौन कम होने लगेगा? एक तो कम होने लगेगा पी स्क्वायर, और एक तो कौन कम लगेगा टू पी क्यू, कौन बढ़ने लगेगा क्यू स्क्वायर। बताओ ग्राफ को क्या मिलेगी? डायरेक्शन। क्या मिलेगी? तो जब डायरेक्शन मिलेगी तो या तो आप डोमिनेंट की तरफ जाओगे या तो रेसेसिव। तो एक अगर वो डायरेक्शन है तो एक डायरेक्शन ये भी है बच्चा, ये भी कैसा है? डायरेक्शन। बताओ ये डायरेक्शनल है तो बताओ किधर की तरफ है? होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये डायरेक्शन किधर की तरफ है? होमोजाइगस रेसेसिव। और डायरेक्शनल दोनों तरफ जा सकता है, या तो डोमिनेंट की तरफ या तो रेसेसिव। बोलते हैं कभी कभी पॉपुलेशन स्टेबिलाइजिंग होने लगती है, ना वो होमोजाइगस डोमिनेंट की तरफ जाती है ना रेसेसिव की तरफ जाती है। इसका मतलब कौन बढ़ने लगते हैं? हेटरोजाइगस। तो बताओ पी स्क्वायर भी क्या होने लगे? कम। और क्यू स्क्वायर भी क्या होने लगे? कम। क्या बढ़ने लगे? टू पी क्यू। क्या बढ़ने लगे? टू पी। तो बताओ इस तरीके की पॉपुलेशन को बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग। बोलो क्या? तो बताओ अगर केवल हेटरोजाइगस बढ़ने लगे तो स्टेबिलाइजिंग। वाई स्टेबिलाइजिंग? क्योंकि दोनों एलील बढ़ने लगी, पी भी बढ़ने लगी क्यू भी बढ़ने। यहां पर कौन सी बढ़ने लगी? क्यू स्क्वायर। यहां पर कौन बढ़ने लगी? पी स्क्वायर। और यहां पर पी भी बढ़ी क्यू भी बढ़ी, इसीलिए स्टेबिलाइजिंग। और चौथा ग्राफ ये हो सकता है भैया कि ना तो पी क्यू बढ़ी बल्कि पी स्क्वायर भी बढ़ी क्यू स्क्वायर भी बढ़ी, और कम कौन हो गई? पी क्यू। तो बताओ दोनों चीजें अडॉप्ट की गई, कौन कौन? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और हेटरोजाइगस अडॉप्ट की गई कि नहीं? इस तरीके का ग्राफ क्या कहलाया? डिसरप्शनल। बोलो क्या कहलाया? अब बताओ ग्राफ को देख करके बताओ ये क्या है। अगर ग्राफ अब भी नहीं समझ में आता है तो मैं समझूंगा कि शायद मैंने सही नहीं पढ़ाया। ओके, पूरा ग्राफ लेते हैं साथ में। ओके, ग्राफ को पूरा साथ में लो। अब देखो ये बताओ ये क्या है? पी स्क्वायर। ये क्या है? और ये क्या है? पी क्यू। और ये क्या है? पी क्यू। अब बताओ पी क्यू क्या हुआ है? बढ़ा है। तो बताओ कैसा हुआ है? स्टेबिलाइजिंग। अच्छा, इसको क्या मिला है? डायरेक्शन। किधर की तरफ? रेसेसिव की तरफ। अगर इधर मिलता तो डोमिनेंट। और ये क्या है? डिसरप्शनल। तो बताइए आपका हार्डी विंबर्ग प्रिंस रूल या हार्डी विंबर्ग इक्वेशन कितने तरीके से वेरी कर सकती है? तीन, या तो रादर चार, या तो डायरेक्शनल टूवर्ड्स होमोजाइगस रेसेसिव, या तो डायरेक्शनल टूवर्ड होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो स्टेबिलाइजिंग, या तो डिसरप्शन। और ये कब होगा? जैसा आप सेलेक्ट करोगे वैसे लोग बढ़ेंगे, और जैसा आप नेग्लेक्ट करोगे वैसे लोग घटेंगे। और इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती और घटती जाएगी और इक्विलिब्रियम मिटता जाएगा। अच्छा, बोलते हैं इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट को थोड़ा सा और समझाया है। बोलते हैं जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दौरान ये चांस फिनोमेना है। चांस फिनोमेना में क्या होता है? कोई एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, इस आइसोलेटेड पॉपुलेशन से अचानक कुछ पॉपुलेशन कहीं और माइग्रेट कर गई, और कहीं माइग्रेट करना ड्रिफ्ट हो गई, और अगर किसी नए स्पेस में गई और उस नए स्पेस में जाकर के रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गई। फिर से बोलना, क्या बोला? रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गई, यानी ये आपस में तो रिप्रोडक्शन की लेकिन दूसरों से रिप्रोडक्शन करना बंद कर दी। इसका मतलब दूसरों से रिप्रोडक्शन करना बंद होना, इसका मतलब दूसरों से स्पीसीज वाला रिलेशन बंद होना, इसका मतलब खुद एक नई स्पीसीज हो गई। और अगर ये नई स्पीसीज हो गई तो उस प्लेस के लिए ये नया फाउंडेशन हुआ, नई स्पीसीज हुई। दैट इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। खत्म है। इसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया कि कैसे हो सकता है। नाउ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने के दौरान क्या क्या हुआ। देखो ये एक कहानी है, मैं इस कहानी को पहले ऐसे समझा दूं जैसे आप सुनना चाहते हो, फिर उसके बाद तुम जो जो कहोगे मैं लिखता जाऊंगा। बोलते हैं धरती में जो समय हुआ है, जो जियोलॉजिकल टाइम है, याद रखना द जियोलॉजिकल टाइम, इसको बांटा गया है एरा में, पीरियड में और इपॉक्स में। अब आपका दिमाग खराब हो सकता है कि ये नई चीज सर पढ़ा रहे। नो, मैंने यहाँ नई चीज लिख दी है, बाकी एनसीईआरटी ने भी लिखी है, पर मैं केवल आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं। इन्होंने धरती जब से पैदा हुई है आज तक के समय को पांच एरा में बांटा है, पांचों एरा के नाम।
पहली एरा का नाम है आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक एरा वो एरा है जब आर्की बैक्टीरिया पैदा हुए। बताओ अर्लीस्ट और द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर आर्की बैक्टीरिया, याद है आर्कियोजोइक एरा। फिर इसके बाद आया प्रोटिस्टा वाला एरिया प्रोटीरोजोइक एरा। प्रोटीरोजोइक एरा के बाद आया पैलियोजोइक एरा, पाषाण युग वाला पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा के बाद आया मीजोजोइक एरा और मीजोजोइक एरा के बाद आया सीनोजोइक एरा। तो जो सबसे रीसेंट एरा है इट इज नोन एज सीनोजोइक एरा। और हर एरा को पीरियड में बांटा गया, यानी इन एराज को पीरियड में और पीरियड को इपोक्स में बांटा गया। तो मैं फिलहाल आपको बता दूं ये एरा है इनविजिबल लाइफ, जब बैक्टीरिया पैदा हुए होंगे। यहाँ पर यूनिसेलुलर क्लोरोफिल जैसे लोग, यहाँ पैलियोजोइक एरा है। मीजोजोइक एरा डायनासोर की एरा है, डायनासोर जब पैदा हुए, उसके बाद सीनोजोइक एरा है। और इस पूरी एराज को पीरियड और एपोक्स में बांटा गया। तुम्हें लगा तुम्हारी बुक में नहीं होगा, ध्यान से सुनो, इन तीनों के नाम याद करो मेरे साथ, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं लगा रहे क्योंकि बेटा उनको लग रहा है सर झूठ बोल रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसके पहले क्या होगा, पता नहीं सर, प्रोटीरोजोइक, और उसके पहले क्या हुआ, आर्कियोजोइक। तो बताओ जब धरती में लाइफ ओरिजिन हुई वो कौन सा एरा था, उसके बाद। अब देखो भैया इन्होंने पैलियोजोइक को कुछ पीरियड में बांटा, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनियन, परमियन। फिर मीजोजोइक को पीरियड में बांटा ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। पिक्चर देखते हो जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क, व्हाट इज पार्क, कोई ऐसा पार्क नहीं है कि जिसका नाम जुरासिक पार्क हो। हम बोलते हैं जुरासिक के समय के प्राणी उस पार्क में रहते हैं, और जुरासिक के समय पर कौन था, डायनासोर। तो बताओ मीजोजोइक एरा किसका था, एरा ऑफ डायनासोर। तो अगर आपको लग रहा कि सर जबरदस्ती फेंके पड़े हुए, तो नहीं, चूंकि आपके एनसीईआरटी ने आधा लिखा है आधा मैंने लिख लिया। जब पहली एरा आर्कियोजोइक, फिर अब बताओ पैलियोजोइक को किसमें बांटा, पीरियड। ये क्या है, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। मीजोजोइक को कितने एरा, तीन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और सीनोजोइक को कितना, दो, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। तो जो सबसे रीसेंट बेटा पीरियड है वो कौन है, क्वार्टरनरी। और सबसे रीसेंट एरा सीनोजोइक, सबसे रीसेंट एरा सीनोजोइक, और उसका सबसे रीसेंट पीरियड क्वार्टरनरी। इसका मतलब हम लोग किस पीरियड में ग्रो कर रहे हैं, क्वार्टरनरी। और किसी दिन जो क्वेश्चन बनेगा लोग कहेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी आया, जबकि लिखा सब कुछ है। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीसेंट पीरियड नेम एज, बोले एनसीईआरटी में कहां लिखा है, ये लिखा है सबसे रीसेंट एरा सीनोजोइक और उसका सबसे रीसेंट पीरियड क्वार्टरनरी। तो इन सबको समय के हिसाब से बांटा गया। मैं पहले इस ग्राफ को भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, इसमें मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। पर इन एराज को मिलियन ईयर और बिलियन ईयर में पढ़ा जाता है, बिलियन ईयर एगो। तो वो लिखेंगे बी वाई ए, व्हाट इट मींस, और अगर वो लिखे एम वाई ए, बस इन दो चीजों को देख लेना और इससे जुड़ी हुई कहानियां मेरे साथ पढ़ते चलो और आपको मजा आता जाएगा कि कैसे कैसे हुआ। बोलते हैं लगभग 2000 बिलियन ईयर अगो, मैंने पहले ही बोल दिया था 2 बिलियन ईयर अगो सेलुलर लाइफ आई थी, पढ़ाया था मैंने, तो सेलुलर लाइफ पहली बार आई थी। पहला पॉइंट यहां लिखो, 2000 मिलियन या 2 बिलियन, दोनों की बात है, 2000 मिलियन ईयर एगो या फिर 2 बिलियन ईयर एगो क्या हुई थी, सेलुलर लाइफ फॉर्म आई थी। ओके, अब इस सेलुलर लाइफ फॉर्म में मतलब पहली सेल बनी, जो पहली सेल बनी थी वो थी कीमोसिंथेटिक। बोलो क्या थी, बेटा मेरे साथ चलना क्योंकि मैं थोड़ा एनसीईआरटी से डिफर करूंगा। इस कीमोसिंथेटिक्स में बने होंगे साइनोबैक्टीरिया, बोलो क्या नाम, और ये पहले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहे होंगे, फिर क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने की होगी फोटोसिंथेसिस, क्या की होगी, और इस फोटोसिंथेसिस करके क्या निकाली होगी, ऑक्सीजन। तो जो ये लिख रहे हैं कि पहला बैक्टीरिया जिसने ऑक्सीजन निकाली होगी वो कौन होगा, साइनोबैक्टीरिया। हो गया, आगे चल रहा हूं।
आगे चलो भैया, बोलते हैं इसी साइनोबैक्टीरिया के आगे की कहानी सुन लो। मैं इस पूरे ग्राफ को पूरा कर रहा हूं, इसलिए इस पूरे के पूरे ग्राफ को एक बार ध्यान से देख लो, नहीं मरना तो तुम्हारा तय है, तुमसे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब तुमसे बोला गया सर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कभी बना होगा आर्कियोजोइक में, किसने बना होगा जो यहां लिखा नहीं, आर्कियोजोइक में। फिर उस फर्स्ट सेलुलर फॉर्म से आया होगा फोटोसिंथेटिक फॉर्म, बोलो कौन, साइनोबैक्टीरिया, बोलो कौन, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और आगे की कहानी खुद एनसीईआरटी ने लिख दी, इस ब्लू ग्रीन एल्गी से ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसिस ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी से एक ब्रांच निकली होगी जो ले गई होगी ब्रायोफाइटा, किसको, और ग्रीन एल्गी से ही डायरेक्ट इवोल्यूशन होगा ट्राइकियोफाइटा। ट्राइकियोफाइटा वो जिनके पास क्या हो, वेस्कुलर बंडल, इसीलिए ब्रायोफाइटा पहले निकल लिए क्योंकि इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है। अब आए वेस्कुलर बंडल वाले लोग, बताओ वेस्कुलर बंडल सबसे पहले कहां है, टेडोफाइटा। और टेडोफाइटा कितने प्रकार के, चार, अगर तुमने मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया है तो याद होगा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, वो चार रेज यहां से निकलनी है। ये वाली पहली रेज आई, दिस लाइकोप्सिडा, ये क्या है, फिर देखो राहिनिया टाइप बना, फिर ये साइलोप्सिडा, बोलो कौन, साइलोप्सिडा से ही कौन निकले, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा कौन, फर्न, और साइलोप्सिडा से ही बने जिम्नोस्पर्म, याद रखना साइलोप्सिडा से ही जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में कौन, गिंगो, कोरिफर्स, नीटम, और इन्हीं से बने प्रोजिम्नोस्पर्म, और प्रोजिम्नोस्पर्म से बने सीड फर्न, और उनसे ये कौन, साइकस, और इन्हीं सीड फर्न से बने, ये रही सीड हैबिट, ये क्या रही, सीड हैबिट, सीड फर्न का मतलब सीड हैबिट। बताओ टेरिडोफाइटा में सीड जैसा स्ट्रक्चर आना, इट इज सीड हैबिट, और जिन्हें सीड हैबिट बना उन्हीं से बना एंजियोस्पर्म, क्या बना, और एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट बाद में मोनोकॉट। तो कभी पूछा जाए विच फैमिली इज मोस्ट एडवांस, डाइकॉट की मोनोकॉट, मोनोकॉट, तो कल को मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ फैबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी में ज्यादा एडवांस, लिलिएसी, वो लोग कहां लिखा है, यहां। तो जिस दिन भी ऐसे क्वेश्चन बनने लगेंगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, अभी तो तुम्हें लाइन टू लाइन मिलती है। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ कई बार लोग गुस्सा जाते हैं कि कहाँ लिखा है सर, मोनोकॉट फैमिली ज्यादा एडवांस है, यहाँ लिखा है पहले कौन, डायकॉट, फिर कौन, मोनोकॉट। तो भैया यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या लिखा हुआ, इसके बाद प्लांट तो गए, अब आओ एनिमल की कहानी सुनते हैं। एनिमल की कहानी में सुनो क्या हुआ, बोलते हैं स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बाई द 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट वर फॉर्म एंड एक्टिव। तो बताओ 500 मिलियन ईयर एगो कौन लोग आए, इनवर्टिब्रेट, मेरे साथ नाम बोलो, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिलमेंथीस, एस्केलमेंथी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बस हेमिकोडेटा तक मत जाओ, कौन, इकाइनो, इन सब का अधिपत्य कब था, और इनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक थे आर्थ्रोपोडा, इसीलिए आर्थ्रोपोडा को लिविंग फॉसिल बोलते हैं कि जब से बने हैं तब से आज तक है आर्थ्रोपोडा सबसे खतरनाक थे, और इसीलिए बोलते हैं आगे आने वाला युग भी किसका है, आर्थ्रोपोडा। आगे सुनो इनवर्टिब्रेट, अब इनवर्टिब्रेट से बन रहे हैं वर्टिब्रेट, कौन बन रहे हैं, वर्टी, और वर्टिब्रेट अगर तुम सीखना चाहते हो तो सबसे पहले बने होंगे एक नए था, बोलो क्या, जॉफुल की जॉलेस, जॉलेस, ये देखो आपके सामने बनी जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर एगो, और जिस समय जॉलेस फिशेस बन रही थी वही समय था सीवीड बनने का, सीवीड मतलब एल्गी, ब्राउन एल्गी, बोलो कौन, ब्राउन, क्योंकि बताओ सी में कौन एल्गी ज्यादा पाई जाती है, क्लोरोफाइसी की फियोफाइसी, इसलिए ब्राउन एल्गी बनने लगी। फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली 320 मिलियन ईयर एगो, तो ये डेट याद रखना, 500 मिलियन ईयर एगो पहले इनवर्टिब्रेट, 350 में वर्टिब्रेट की कौन, एक नए था, और उसी समय 320 के आसपास कौन पैदा हुआ, सीवीड, और वो भी मेनली कौन, फियोफाइसी। आगे इसके बाद वी टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेंटेड लैंड, ये बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा जिस दिन बनेगा, पहला ऑर्गेनिज्म जिसने समुंदर छोड़ा वो प्लांट थे, कौन थे, प्लांट, एनिमल नहीं थे।
ये सब कहाँ चल रहा है? समंदर में। ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ थी? समंदर में। तो बताओ समंदर छोड़कर लैंड की तरफ चलने वाले पहले लोग कौन है? प्लांट। और उसके बाद कौन है? एनिमल। तो पहले लैंड की तरफ आए प्लांट्स। तो बताओ ब्रायोफाइटा पहला बंदा होगा जिसने कहाँ कदम रखा होगा? लैंड में। और फिर पानी पे लेटा होगा, इसीलिए बोलते हैं इट इज अ एम्फीबियन, याद है? यानी ब्रायोफाइटा पहला बंदा होगा जो जमीन पे गया होगा। तो मैं पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑक्युपाई द लैंड? विच वन? ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा? ब्रायोफाइटा। इसके बाद दे वर वाइड स्प्रेड, धीरे धीरे टेडोफाइटा बने होंगे। इसके बाद आई होंगी मछलियां, और बेटा स्ट्रॉन्ग फिंस वाली मछलियां पैदा हुई। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो। जिस समय एक नेथा पैदा हो रहा था उसी समय पर मछलियां भी पैदा हो रही थी। 1938 में एक ऐसी ही फिश पाई गई जो 350 मिलियन ईयर एगो पहले पाई जाती थी। इसका नाम है सीलोकैंथ, और ये एक प्रकार की लोब फिन है। कैसी फिन है? लोब फिन। तो याद रखना 1938 में समुंदर में कॉट की गई थी, साउथ अफ्रीका के समुंदर में। जो हम सोच रहे हैं वैसी फिश मिली, इसका मतलब ये नई फिश है कि पुरानी? पुरानी। इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। आगे सुनो, आगे जब तुम चले तो बोलते हैं इन मछलियों से, सुनो पहले, फिर मैं ये भी चार्ट पढ़ाऊंगा, वरना तुम चार्ट देख करके घबरा जाते हो कि सर नहीं समझ में आया। पहली बार फिश से बने होंगे एम्फीबिया। बोलो कौन बना होगा? एम्फीबिया। तो बताओ पहला बंदा एनिमल में जिसने लैंड में, जो लैंड में गया होगा? एम्फीबिया। और एम्फीबिया में स्टीगोसिफेलिया नाम का एम्फीबिया था जो सबसे पहले गया था। ऑल्दो आपकी बुक में नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं कि आप लिखो। और इनके आज के वंशज हैं जिनको हम लोग सेलामेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलम। तो ये बात भी एनसीईआरटी ने लिखी है कि वो एम्फीबिया का वंशज, यानी उन एम्फीबिया के वंशज आज भी दुनिया में है जो कि मॉडर्न डे फ्रॉग और कौन कहलाते हैं? सेलमन। तो बताओ सेलामेंडर इज एम्फीबिया। मेरी बात सुनो, नहीं गड़बड़ होगा। फिश से क्या बनी? एम्फीबिया। और एम्फीबिया से बने फर्स्ट रेप्टाइल्स, और ये फर्स्ट रेप्टाइल थे स्टेम रेप्टाइल्स, ये बेटा स्टेम में चपके रहते थे। इनका नाम था सीमूरिया। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, सीमूरिया मुझे क्यों आता? क्योंकि मुझे मार मार के याद कराया गया था। हम लोग के समय रमेश गुप्ता चलती थी, ये सब यूजलेस है, मत पढ़ना। तो पहले स्टीगोसिफेलिया, एम्फीबिया, इनसे बने रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब वो है छिपकली जैसे लोग, और इन्हीं छिपकली जैसे लोगों से पैदा हुए डायनासोर्स। क्या पैदा हुए? और जिसका बेटा ग्राफ ये दिया है, ये आए बताओ अर्ली रेप्टाइल, इसका नाम बताओ क्या लिखे? सर पता नहीं क्या लिखे। इसका नाम लिखेंगे सीमूरिया। बोलो क्या लिखेंगे? सीमूरिया। और ये कार्बोनी फेरस पीरियड में तीन पार्ट में बटा। सब लोग ध्यान से देखो, नहीं मरोगे। एक बटा साइनेप्सिडा में, एक सॉरोप्सिडा, और सॉरोप्सिडा की दो ब्रांच गई, एक कौन? टर्टल। और बेटा सॉरोप्सिडा की फिर से तीन ब्रांचेस, नहीं चार ब्रांचेस हुई। एक डायरेक्ट गई कहाँ? लिजार्ड। एक कहाँ गई? स्नेक। एक कहाँ गई? ट्वाट्रास। और एक कहाँ की तरफ गई? थीकोडोंट रेप्टिलिया। ऐसे डोंट दांत, जिनके दांत हड्डियों में धसे थे, ऐसे रेप्टिलिया की तरफ गई। और जो थीकोडोंट रेप्टिलिया की तरफ गई वो खुद तीन पार्ट में बटी, एक गई क्रोकोडाइल की तरफ, एक गई डायनासोर्स की तरफ, और इन्हीं में से एक गई बर्ड्स की तरफ। कौन सा? बर्ड्स की। अब याद रखना, इन सॉरोप्सिडा से पैदा हुई बर्ड्स, लेकिन साइनोप्सिडा से पैदा हुआ पेलाइकोसोरस, थेरेप्सिड्स एंड पहला मैमल। इसका मतलब मैमल बर्ड से पैदा नहीं हुए, यही प्रूफ है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस इवोल्यूशन इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन। बोलो क्या? तो कभी पूछे व्हाट इज पैरेलल इवोल्यूशन, तो बोलना रेप्टाइल से दोनों एक साथ पैदा हुए। कौन? बर्ड्स एंड मैमल। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बर्ड्स पैदा हुई और बर्ड से मैमल पैदा हुए, ऐसा नहीं हुआ। तो एक गया है सॉरोप्सिडा, सॉरोप्सिडा से गए बर्ड्स, और एक गया सिनोप्सिडा, इससे कौन गए? मैमल। और इस तरीके के इवोल्यूशन को हम लोगों ने क्या बोला? पैरेलल इवोल्यूशन। और इन सब का समय दिया है, जिस दिन भी क्वेश्चन आएगा मरोगे, इसलिए याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीखने की कोशिश करो। यहाँ से उन्होंने बोला है कि प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो इक्थायोफॉर आए, और 65 मिलियन ईयर एगो कौन आए? डायनासोर। तो लर्न कर लो, जो टाइम दिया गया 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर आए।
बस आगे बढ़ जाओ। फिर इन्होंने बोला डायनासोर से ही कौन पैदा हुआ, बर्ड्स और मैमल, और साथ साथ पैदा हुए, इसलिए मैमल और बर्ड्स दोनों साथ साथ पैदा हुए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनका एक के बाद एक इवोल्यूशन है कि पैरेलल पैरेलल। अब इसके बाद आप लोग सोचो कि जब इस दुनिया से कौन गए, डायनासोर, तो किसे मौका मिला, ह्यूमन को नहीं, मैमल को। तो याद रखना डायनासोर जाने के बाद मैमल को मौका मिला। अगर इस दुनिया में डायनासोर होते तो मैमल इवॉल्व होकर ह्यूमन आता कि नहीं आता, नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे सम मैमल लिव होली इन वाटर, कुछ पानी में रह गए, कुछ बाहर आ गए, और आज के मॉडर्न मैमल हम लोग हैं, और उन मैमल में भी सबसे ऊपर कौन है, ह्यूमन, एंड दैट इज नोन एज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब अगर मैं इसको ऐसे पढ़ा दूं कि कुछ लोग घबरा जाएंगे, देखो कुछ मैमल बने, अब मैं इसको रिलेट करता हूं, बर्ड्स और मैमल एक साथ बने, मैमल में कुछ बने प्राइमेट्स, क्या बने, और कुछ बने नॉन प्राइमेट। तो बताओ जिनमें मेंसुरल साइकिल थी वो थे कौन, प्राइमेट, और जिनमें नहीं थी वो नॉन प्राइमेट। इनमें कौन सी साइकिल थी, स्ट्रेस, और प्राइमेट में आए तीन लोग, बोलो कौन, तीन, पहला कौन, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। अब इनमें से हम लोग मंकी को और एप को पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन को, एंड दैट इज नोन एज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। बहुत सिंपल कहानी है और बहुत छोटी कहानी है, मैं इसी के साथ चैप्टर खत्म करूंगा। अगर मैं मैन की कहानी को तीन तरीके से पढ़ाऊं तो अभी खत्म कर सकता हूं। तीन तरीके के मैन हुए हैं, एप लाइक मैन, आप हेडिंग लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एप लाइक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन, आदिमानव इन्हें बोला गया, और मॉडर्न मैन। मैं इन्हीं तीनों में अपना टॉपिक समाप्त कर दूंगा जितना एनसीईआरटी में दिया है, अदरवाइज अगर पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ो तो बहुत बड़ा है। तो अगर कभी भूलोगे तो कैसे याद रखोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था ह्यूमन के इवोल्यूशन में, तीन तरीके के ह्यूमन इस दुनिया में आए, कैसे, एप लाइक, दूसरे प्रीहिस्टोरिक आदिमानव, तीसरे मॉडर्न। अब एप लाइक मैन में तीन नाम याद रखोगे, मैं पहले दो लिखता हूं जो आपकी बुक लिखती है, एक है ड्रायोफिथेकस और दूसरा है रामापिथेकस। ड्रायोफिथेकस इज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस इज मोर मैन लाइक। इनको देख लो तो ये गोरिल्ला और चिंपांजी जैसा ही दिखते थे, दे वॉक लाइक गोरिल्ला, एनसीईआरटी ने लिखा है दे वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। तो मैं अपना टॉपिक हल्का कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा सब कुछ जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो बताओ एप लाइक दो मैन थे, एक कौन, ड्रायोफिथेकस और एक रामापिथेकस। इन्हीं ड्रायोफिथेकस रामापिथेकस में एक बंदा आया है रामापिथेकस के साथ ही, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फॉसिल मिले हैं, बहुत याद रखना, और इन फॉसिल को तंजानिया और इथियोपिया से लिया गया, तंजानिया, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, इथियोपिया, छोटी सी बात है लेकिन लिखा गया है, और इन्हीं फॉसिल में से एक फॉसिल था लूसी। तो हम मानते हैं लूसी इज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, इवन एक मूवी भी बनी है लूसी, अगर हॉलीवुड में देखोगे तो बोलते हैं पहली फीमेल जो मैन जैसी दिखी थी, दिस वॉज लूसी, इट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो कुछ मिला करके तुम्हें अगर एप लाइक मैन में पढ़ना है तो कितने मैन पढ़ने हैं, तीन, एक कौन ड्रायोफिथेकस और एक कौन रामापिथेकस, और उसमें भी एक कौन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल तंजानिया और कहां से मिले, इथियोपिया, और उनमें से एक का नाम क्या था, लूसी। मैं लूसी लिख रहा हूं, ये मेरा केवल दोष है, लूसी एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, मैं भी दिखा दूंगा। ओके, इसके बाद ये जो बेटा ड्रायोफिथेकस रामापिथेकस की सीक्वेंस था, इन्हीं में से पैदा हुए पहली बार प्रीहिस्टोरिक मैन, और इन प्रीहिस्टोरिक मैन में जो पहला मैन पैदा हुआ, इट इज नोन एज होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, इसी को हम लोग हैंडी मैन बोलते थे,
वाय हैंडीमैन, क्योंकि इसने अपने हाथ का प्रयोग करके औजार बनाए और औजारों को हाथ में पकड़ना चालू किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैंडीमैन, होमो हैबिलिस। और इन्हीं होमो हैबिलिस से पैदा हुआ होमो इरेक्टस, जो पहली बार इरेक्ट होकर के चला, सीधा चला, चिंपांजी की तरह नहीं बल्कि एकदम सीधा चला, इट इज नोन एज होमो इरेक्टस। और इसी होमो इरेक्टस में था होमो इरेक्टस इरेक्टस, जिसका नाम था जावा मैन। बोलो क्या नाम था? और ये भी आपकी बुक ने लिखा है कि जावा में, जावा नाम की जगह में इनके फॉसिल मिले, होमो इरेक्टस इरेक्टस। और यही वो बंदा है जिसने पहली बार फायर ढूंढी। क्या ढूंढी? कोई पूछा जाता है आग, अगर फायर ढूंढी होगी तो बताओ ये मांस खाता होगा कि नहीं? यस। और पका के तो बोलते हैं, पहली बार मीट खाने का, यानी पहली बार मांस खाने का जो साक्ष्य मिलता है वो किसके साथ मिलता है? होमो इरेक्टस। और इन होमो इरेक्टस से ही पैदा हुए होमो इरेक्टस इरेक्टस पीकिनेंसिस, यानी वो पीकिंग मैन है, इसी को बोलते हैं पीकिंग मैन। तो एक है जावा मैन और एक पीकिंग मैन। ओके, अब जब ये हुए तो इनसे इनसे पैदा हुआ मॉडर्न मैन। और मॉडर्न मैन में जो सबसे पहला मॉडर्न मैन था, इट इज होमो सैपियंस नियंडरथैलेंसिस, नियंडरथैलेंसिस। होमो सैपियंस नियंडरथैलेंसिस, इसी को हम लोग नियंडरथल मानव को बोलते हैं, नियंडरथल मैन। और इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि नियंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी, यानी इसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। देखो बेटा चल रहा मेरा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, चलने दो, अब उसको छेड़ो मत, जैसा चल रहा चलने दो। तो होमो सैपियंस नियंडरथलेंसिस नियंडरथल मैन है, तो सैपियंस लगा देना का कारण क्या था? ये 1400 सीसी ब्रेन, क्योंकि इसे भी हम लोग बेटा मानते हैं कि इसके पास भी ब्रेन काफी था। इसी बेटा होमो सैपियंस में एक आया क्रोमैग्नन, दैट इज नोन एज होमो सैपियंस फॉसिलिस। और इस होमो सैपियंस फॉसिलिस को हम लोग क्रोमैग्नन मानव बोलते हैं, क्रोमैग्नन। और बेटा इसी क्रोमैग्नन मानव ने पहली बार सिविलाइजेशन, यानी कि ट्राइब कल्चर पैदा किया, और याद रखना खेती पैदा की, याद रखना। और उनसे पैदा हुआ आज का मानो हम लोग, नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, वी आर होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये कहानी मैं लिख देता हूँ, मैं इतनी कहानी पढ़ाऊंगा तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने पहले तीन हेडिंग बोली थी। बोलो, एप लाइक, प्रीहिस्टोरिक, मॉडर्न। एप लाइक में कितने? तीन, ड्रायोफिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रीहिस्टोरिक में कितने? तीन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस पीकिंग, जावा मैन और पीकिंग मैन। और मॉडर्न मैन में भी तीन, होमो सैपियंस नियंडरथल, होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस सैपियंस, दैट इज वी पीपल। तो अगर आप देखोगे तो तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, टोटल कितने? नौ। आइए देखें ये एनसीईआरटी लिखती है कि नहीं, कि सारी झोंके पड़े। देखो आपको, देखो सारी चीजें मिलती है कि नहीं। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो, प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोफिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, दे वर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोफिथेकस वाज मोर एप लाइक। तो बताओ ड्रायो वाला कैसा था? ज्यादा एप जैसा। फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। बताओ ये कौन सी थी? लूसी। तो फॉसिल मिला था वो किसका था? लूसी। दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। कहाँ पर पैदा हुए? ईस्टर्न अफ्रीका। ये कौन था? लूसी, बिकॉज तंजानिया इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। आगे, दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर, ये 4 फीट लंबे थे और अपराइट चलने की कोशिश करते थे। लगभग 2 मिलियन ईयर एगो, कितने मिलियन ईयर? Australopithecines probably lived in East Africa grassland, evidence so that they hunted their stone weapon but essentially ate fruit. इसका मतलब तीन हो गए कैसे? एप लाइक, नाम बताओ, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus. Some of the bone among the bone discovered were different. This creature was called as first human-like hominid and आगे क्या नाम रखा गया? Homo habilis.
पता हो इस होमो हैबिलिस का दूसरा नाम हैंडीमैन। द ब्रेन कैपेसिटीज वर 652 18। किसकी? होमो हैबिलिस। दे वर प्रोबेबली नॉट ईट मीट। ये मीट नहीं खाते थे। मीट पहली बार किसने खाया? जावा, जिसने क्या ढूंढी थी? आग। आगे भी लिखा फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1891 रिवील्ड दैट नेक्स्ट स्टेज। किसकी स्टेज? नेक्स्ट। किसकी नेक्स्ट? होमो हैबिलिस, दैट इज नोन एज होमो इरेक्टस। कितने पहले? 1.5 मिलियन ईयर एगो। होमो इरेक्टस लार्ज ब्रेन, कितना सीसी? 900। इनका कितना था? 650 से 800, इनका 900। और 900 सीसी वाला बंदा जो था वो होमो इरेक्टस था। और होमो इरेक्टस पहला बंदा है जिसने प्रोबेबली क्या खाई? मीट। और इसी ने किसको ढूंढा? आग। तो तीन वो नाम लो पहले, जल्दी तीन वो नाम लो। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस स्कल, सबसे पुराना ड्रायो, फिर रामा, फिर ऑस्ट्रल। निकाल दो, अब इनमें तीन नाम लो। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जावा, होमो इरेक्टस पीकिंग, जो इन्होंने नहीं लिखा। इसके बाद मॉडर्न नाउ। मॉडर्न में क्या आया? पहला नियंडर था, बोलो, जिसका ब्रेन कितना था? 1400। और इसीलिए इसे क्या माना गया? सैपियंस। सैपियंस का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान, क्योंकि इसकी कितनी सीसी थी? 14। ये भी ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में थे, लगभग 1,00,000 से 40,000 ईयर बैक। दे यूज हाइड, ये कपड़े पहनते थे, प्रोटेक्ट दियर बॉडीज, और ये बरी करते थे, यानी लोगों ने अपना रिचुअल चालू किया। रिचुअल कब चालू होते? जब सिविलाइजेशन, जब संस्कृतियां पैदा होती। इन्होंने अपने मरे हुए लोगों को गाड़ना चालू किया। एंड होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस द कंटिनेंट एंड डेवलप इन टू डिस्टिंक्ट रेसेस ड्यूरिंग एज 1575 to 10,000 ईयर एगो। होमो सेपियंस एरोज, और उस होमो सेपियंस में कौन सा था? होमो सेपियंस सेपियंस, जो हम लोग हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग की। ये क्रोमैग्नन और नियंडरथल थे। अबाउट 18,000 साल पहले केव में, गुफाओं में पेंटिंग मिलती है जो 18,000 साल पहले की पेंटिंग है। इन्हीं में से बेटा कुछ लोगों ने बेटा एग्रीकल्चर चालू की। कितने साल पहले? 10,000। तो केव पेंटिंग कितनी पुरानी साल पहले? 18,000। और बेटा एग्रीकल्चर करते ही फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि खेती करते ही इन्हें खेती की रक्षा करनी पड़ी, और रक्षा करने के लिए इन्हें मूव करना पड़ा कि रुकना पड़ा, और इसीलिए ये होने लगे सेटल। क्या होने लगे? सेटल। ये ह्यूमन सेटलमेंट चालू हुई, और ह्यूमन सेटलमेंट चालू हुई तो बस्तियां बनी, बस्तियां बनी तो समाज बना, और समाज ने बेड़ा गर करके आज मोबाइल फोन सब कुछ कर दिया। सो दिस वॉज योर इवोल्यूशन। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।